टोक्यो ओलंपिक में मेडल पक्का करने उतरेगी भारतीय पुरुष हॉकी टीम। अब से कुछ देर बाद सुबह 7 बजे विश्व चैंपियन बेल्जियम से भारत की सेमीफाइनल मुकाबला, पूरे देश की निगाहें। भारतीय हॉकी टीम को लेकर देश भर में जबरदस्त उत्साह, टीम की जीत की दुआएं मांग रहे हैं देशवासी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक खेलों में अब तक सबसे ज्यादा जीते हैं 11 मेडल। भारतीय महिला हॉकी टीम ने रचा इतिहास, वर्ल्ड नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची। कल अर्जेंटीना से सेमीफाइनल की टक्कर, टीम की खिलाड़ियों के घर जश्न और दुआओं का दौर चल रहा है। टोक्यो ओलंपिक के डिस्कस थ्रो गेम में मेडल की रेस से बाहर हुई कमलप्रीत, फाइनल में 6 नंबर पर रही। 3 राउंड में के बाद टॉप 8 में आई कमलप्रीत से देश को थी गोल्ड की उम्मीद। सोनम मलिक के मुकाबले से शुरू होगा भारत का रेसलिंग अभियान। सबसे पहले सोनम मलिक का मुकाबला सुबह 8:30 बजे मंगोलिया की बोलोरुतिया से भिड़ेंगे। टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु आज देश लौटेंगी। शाम 5 बजे के करीब पहुंचेंगी दिल्ली। ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला है सिंधु। देश लौटने से पहले टोक्यो में बोली पीवी सिंधु, सेमीफाइनल में हार के बाद मैं निराश थी क्योंकि गोल्ड के लिए चुनौती पेश नहीं कर सकी। तब कोच ने कहा अगले मैच पर ध्यान लगाओ, खाली हाथ लौटने से बेहतर कांस्य जीतो और देश का मान बढ़ाओ। राहुल गांधी ने आज सुबह 9:30 बजे 14 विपक्षी दलों के नेताओं पर नाश्ते पर बुलाया है। बैठक में कांग्रेस के सभी सांसद मौजूद रहेंगे। आरजेडी और टीएमसी ने भी हामी भरी, सरकार को घेरने की बनेगी रणनीति। शिवसेना सांसद संजय राउत ने राहुल गांधी से मुलाकात की, ट्वीट करके कहा राष्ट्र और महाराष्ट्र की राजनीति पर हुई चर्चा। बिहार में नीतीश के लिए बढ़ रही है मुश्किल, बीजेपी विधायक सम्राट चौधरी का बयान, बिहार में सरकार चलाना हमारे लिए चुनौतीपूर्ण, गठबंधन की वजह से 43 सीटों वाले नीतीश को सीएम बनाना पड़ा। नीतीश के मंत्री सम्राट चौधरी के बयान पर आरजेडी को मिला हमले का मौका, मृत्युंजय तिवारी ने कहा नीतीश सरकार में अंदरूनी कलह किसी भी वक्त गिर सकती है, वेंटिलेटर पर चल रही है नीतीश सरकार। नीतीश के बहाने अधीर रंजन चौधरी ने भी मोदी सरकार को घेरा, बोले अकाली दल और शिवसेना के बाद अब जेडीयू भी साथ न छोड़ दे, आखिरी जासूसी कांड पर चर्चा से क्यों डर रही है सरकार। दिल्ली में मुलायम सिंह यादव और लालू यादव की करीब 40 मिनट तक मुलाकात, अखिलेश यादव भी साथ रहे। लालू बोले आज देश को पूंजीवाद और साम्राज्यवाद नहीं समाजवाद की जरूरत। जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर 7 अगस्त को बिहार में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी आरजेडी, जिलाधिकारी के माध्यम से पीएम मोदी को ज्ञापन भी भेजे जाएंगे। जातीय जनगणना को लेकर जेडीयू के 11 सांसदों ने पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह की अगुवाई में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। ललन सिंह ने कहा जातीय जनगणना के बाद नीति बनाने में भी आसानी होगी। यूपी में मुहर्रम के जुलूस पर रोक को शिया धर्मगुरु कलवे जव्वाद ने बताया बगदादी वाला कदम, प्रशासन ने कोरोना की वजह से 19 अगस्त को जुलूस पर लगाई है रोक। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के यासुब अब्बास ने भी गाइडलाइंस की निंदा की। मुंबई एयरपोर्ट पर शिवसैनिकों ने किया हंगामा, एयरपोर्ट के बोर्ड से छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम हटाने का लगाया आरोप, पूछा शिवाजी का नाम हटाकर अडानी के नाम का बोर्ड क्यों लगाया। मिशन यूपी के तहत 7 और 8 अगस्त को लखनऊ में बैठक करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। 16, 17 और 18 अगस्त को सभी नए केंद्रीय मंत्री निकालेंगे जन आशीर्वाद यात्रा। फिर कोरोना के डर के बीच यूपी चुनाव के लिए बीजेपी की जनसंवाद रणनीति, 9 अगस्त को बीजेपी सभी पोलिंग बूथ पर 2 हेल्थ वॉलंटियर को ट्रेनिंग देगी। सीएम योगी, डिप्टी सीएम समेत कई मंत्री अधिकारी भी कार्यक्रम से जुड़ेंगे। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने लॉन्च किया खेला होबे कार्यक्रम, कहा पूरे देश में होगा खेला। 16 अगस्त को टीएमसी मनाएगी खेला होबे दिवस, ममता सरकार बांटेगी 1 लाख फुटबॉल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर बदले बंगाल से आसनसोल के सांसद बाबुल सुप्रियो के सुर, बोले सांसद रहूंगा पर राजनीति नहीं करूंगा, किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा, जल्द सरकारी बंगला और सुरक्षा कर्मियों को छोड़ने की भी बात कही।
पूर्वोत्तर के बीजेपी सांसदों ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। असम मिजोरम सीमा विवाद को लेकर ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें कांग्रेस पर हिंसा का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। असम मिजोरम सीमा विवाद पर जेपी नड्डा ने कांग्रेस को घेरा, कहा कांग्रेस लोगों को भड़का रही है, राजनीतिक फायदे के लिए देश का माहौल खराब करने की कोशिश, कांग्रेस के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। सीमा विवाद के बाद असम की नाकाबंदी से मिजोरम में पेट्रोल समेत दूसरी जरूरी चीजों की किल्लत, खाली पड़े दिखे पेट्रोल पंप, लोगों को हो रही है भारी दिक्कतें। यूपी में 50% क्षमता के साथ स्कूल और कॉलेज खोलने का योगी सरकार का फैसला, 16 अगस्त से स्कूल और 1 सितंबर से खुलेंगे कॉलेज। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बताया 16 अगस्त से स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई 4-4 घंटे की 2 शिफ्टों में होगी, जबकि 13 सितंबर से बाकी क्लास के लिए स्कूल खुलेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की, कोरोना काल में बेसहारा हुए बच्चों को 3,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी, पहले चरण में 1,062 बच्चों को सीधे बैंक खाते में भेजी गई रकम। राजस्थान के सीकर में उड़ी कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां, वैक्सीन सेंटर पर सैकड़ों की भीड़ ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, एक दूसरे से धक्का मुक्की करते दिखे लोग। पीएम मोदी आज गुजरात के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से करेंगे संवाद, दोपहर 12:30 वर्चुअली होगा कार्यक्रम। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का बयान, आर्टिकल 370 हटाने की वजह से 20 साल पीछे हो गया जम्मू कश्मीर, विकास का दावा सिर्फ कागजों पर, जनता राज्यपाल शासन से परेशान क्योंकि एक राज्यपाल 90 लोगों का काम नहीं कर सकता। मध्य प्रदेश में अवैध शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ कठोर कानून लाने की तैयारी, आज कैबिनेट बैठक में लग सकती है मुहर, इसी सत्र में लाया जा सकता है बिल। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को यूपी की रामपुर जिला कोर्ट से मिला झटका, जौहर यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट तोड़ा जाएगा। यूपी के बरेली से बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप पर उत्तराखंड के एक मंदिर में गाली गलौज का लगा आरोप, वीडियो वायरल, दर्शन से पहले पैसों को लेकर झगड़ा और फिर हंगामा हुआ था। उत्तराखंड के जोशीमठ में पीपल कोठी के पास पहाड़ गिरकर सड़क पर आया, बद्रीनाथ हाईवे बंद, चट्टान गिरने की जगह से कुछ ही फीट पीछे थी गाड़ियों की कतार, बाल बाल बचे लोग। एमपी के पन्ना में लहरों के बीच एक कार के फंसने से बच्ची समेत 7 लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ी, किसी तरह सभी को निकाला गया, पन्ना में ही पिकनिक के लिए गए एक युवक की झरने में डूबकर मौत। बिहार के कैमूर में 3 दिन के लगातार बारिश के बाद मोहनिया इलाके में चारों ओर पानी ही पानी, सड़क पर वाहनों के पहिए थमे, मोहनिया पावर ग्रिड भी पानी में डूबने से बिजली सप्लाई था। उत्तराखंड के लक्सर में 10 फीट से बड़ा अजगर और एक बड़े मगरमच्छ को रिहायशी इलाकों से वन विभाग की टीम ने पकड़ा, बाढ़ और बारिश से बचने के लिए इंसानी बस्तियों में घुस रहे खतरनाक जानवर। दिल्ली एनसीआर में अगले 4 दिन तक होती रहेगी मॉनसून की हल्की और मध्यम बारिश, तापमान में गिरावट, दिन का अधिकतम तापमान अभी 30 से 32 डिग्री के बीच। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं आज के सबसे बड़े मुकाबले की, इंडिया मांगे गोल्ड। जी हां, आपसे थोड़ी ही देर में सुबह 7 बजे से भारत का बेल्जियम के साथ सेमीफाइनल मुकाबला शुरू होने जा रहा है। हॉकी में भारतीय पुरुष टीम के पास 1980 के बाद पहली बार मेडल जीतने का मौका है, पिछले लगातार 4 मैच जीतकर सेमीफाइनल पहुंची टीम इंडिया बेल्जियम को मात देकर मेडल पक्का करने के इरादे से उतरेगी और हर देशवासी की आज यही कामना है कि भारतीय टीम देश के लिए गोल्ड जरूर लेकर आए। तो हर कोई यही कह रहा है कि इंडिया जीते और गोल्ड अपने नाम करे। भारत के लिए आज का हर लम्हा ऐतिहासिक है, देश के लिए मैदान में उतरेंगे भले 11 खिलाड़ी, लेकिन आज पूरे देश की धड़कनें उनके साथ ही धड़क रही हैं। इतिहास के पन्नों पर दर्ज होते इस सफर में अगला पन्ना सुनहरे अक्षरों से लिखा हो, यही कामना और यही प्रार्थना है हमारी। जापान की धरती पर सबसे बड़ी जंग, टोक्यो में पूरा होगा सबसे बड़ा सपना, आज मैदान पर जिंदा होगी पूर्वजों की परंपरा। सूर्योदय का देश कहे जाने वाले जापान में आज भारतीय हॉकी का सूरज चमकने को बेकरार है।
दुनिया पर छा जाने के लिए बेताब है, क्योंकि इतिहास रोज रोज नहीं लिखे जाते। और अब जब इतिहास लिखने का मौका है तो पूरे देश की दुआएं हैं कि सुनहरे मेडल पर शान से लिख दिया जाए हिंदुस्तान। भारतीय हॉकी टीम ने ड्रिबलिंग की कला से मैदान पर जो ऐतिहासिक कहानी लिखी है। लंबे समय के बाद पुरुष टीम पहुंची है, महिला टीम पहली बार पहुंची है, दोनों को बधाई। और कामना करता हूं पूरे भारतीय जो हैं सपोर्ट करेंगे दुआओं के रूप में, क्योंकि हम वहां पहुंच नहीं सकते, कोविड का टाइम है। फिर भी मैं दुआ करता हूं कि हमारी भारतीय महिला टीम और पुरुष टीम आगे पहुंचे। मिनिमाइज की है मिस्टेक्स पुरुषों ने भी और महिलाओं ने भी, और जिसका रिजल्ट आपके सामने है। मेडल से एक जीत दूर खड़ी भारतीय टीम का मुकाबला जिस बेल्जियम से है, उसे हमने पहले भी कई बार धूल चटाई है। 2019 में बेल्जियम दौरे पर भारत ने बेल्जियम को 2-0, 3-1 और 5-1 से हराया था। इस साल मार्च में भी भारत ने बेल्जियम को 3-2 से हराया था। बेल्जियम के खिलाफ पिछले 5 मैच में से 4 में टीम जीत हासिल कर चुकी है। ओलंपिक में आखिरी बार दोनों टीम 2016 में आमने सामने थी, जिसमें बेल्जियम ने 3-1 से बाजी मारी थी। इंडियन हॉकी का रिवाइवल हुआ है और इंडियन हॉकी हमारा नेशनल स्पोर्ट है। अभी भी सेमीफाइनल बहुत इंपॉर्टेंट मैच होता है, लेकिन जिस तरीके से मोमेंटम मिला, आई एम श्योर कि आगे आके अगर एक और मैच जीतते हैं तो ये मेडल, चाहे वो कोई भी कलर का मेडल हो, ये मुझे लगता है कि ऐतिहासिक होगा और किसी भी मेडल से बहुत बड़ा होगा। क्योंकि मैं अभी 40 साल का भी नहीं हुआ, तो मेरे पैदा होने से पहले इंडिया हॉकी में मेडल जीती थी, तो आई एम श्योर कि पूरा देश इसकी वेट कर रहा है और ये जो वेट है ये खत्म होगी इस बार। ओलंपिक में भारत का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने 8 गोल्ड समेत 11 मेडल जीते हैं। इंडिया में हॉकी को पहचान दिलाने वाले मेजर ध्यानचंद से लेकर बलबीर सिंह और जफर इकबाल से लेकर परगट सिंह जैसे खिलाड़ी देने वाली भारतीय टीम का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। उड़ीसा हैज बीन पार्टनरिंग विद हॉकी इंडिया ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स। आवर ऑब्जेक्टिव हैज बीन टू ब्रिंग बैक the glory of Indian hockey. I am happy that all the efforts have started bearing fruit. तो आज इस मुकाबले पे पूरी देश की नजर, और आइए इसी खबर पर और बातचीत करते हैं। हमारे साथ थे जालंधर से हॉकी टीम के दमदार डिफेंडर वरुण कुमार के घर से हमारे संवाददाता हरपिंदर सिंह मौजूद हैं, जबकि अमृतसर से हॉकी टीम के सबसे धाकड़ फॉरवर्ड गुरजन सिंह के घर से गगनदीप शर्मा लाइव जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले जालंधर आपको लिए चलते हैं। हरपिंदर, कैसा माहौल है वहां पर? बहुत बड़ा मुकाबला है, परिवार वाले क्या सोच रहे हैं, कैसे ये दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि आज कमाल का प्रदर्शन भारतीय टीम दिखाए? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा दिन है आज भारतीय टीम के लिए, क्योंकि लंबे साल बाद भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंची है। 49 ईयर्स के बाद आज भारतीय टीम सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी ओलंपिक में। इससे पहले 41 साल हो चुके हैं भारत को मेडल जीते हुए। हम वरुण के घर पे मौजूद है, वरुण के पिता अभी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात भी करते हैं कि इनका इस मैच के लिए क्या कहना है। सबसे पहले ये बताइए, आज का दिन क्या मायने रखता है आपके लिए? आज का दिन मेरे लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैं तो परमात्मा से ही अरदास करता हूँ कि इसको और भी महत्वपूर्ण बनाया जाए और इस मैच को जो है ना इंडिया को जिताया जाए, तब ये मेरे लिए बहुत खुशी वाला दिन होगा और बहुत महत्वपूर्ण दिन होगा। मैं परमपिता परमात्मा से यही अरदास करता हूँ कि इंडिया टीम जो आज ये फाइनल सेमीफाइनल का मैच है ये जीते, तो पूरे भारतवर्ष में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। हम तो पेरेंट्स हैं, हमें तो खुशी होगी होगी। वरुण से कोई बात हुई मैच से पहले, सेमीफाइनल से पहले? मेरी भाभी कल बात हुई थी नाइट में ही, तो कहता था, मैंने कहा था कि बेटा ये सेमीफाइनल का मैच है, यहाँ बस जान लड़ा दो और इसको जीतो। बोलता ये तो करना ही पड़ेगा जी, ये सारे हम मिलके जोर लगाएंगे तभी जीतेंगे, ये हमको सावर हमारा फोक्स जीतने पे ही है, हम ये जरूर जीतेंगे। किसे उससे पहले भी एक गोल किया था अर्जेंटीना के खिलाफ, उससे बात क्या उसके कितने हौसले बुलंद है अभी? वरुण के तो हौसले बुलंद ही हैं, उन्होंने उसका पहला ही ओलंपिक था, पहला ही मैच था और वो पहला ही ओलंपिक में पहला ही गोल था। ये वरुण के लिए तो खुशी की बात है, यह इंडिया के लिए भी बहुत प्राउड की बात है, और पूरी इंडिया टीम जो है इस गेम पे फोकस दे रही है, मुझे पूरी आशा है कि ये जरूर जीतेंगे और फाइनल तक जीतेंगे, गोल्ड लेके आएंगे।
बिल्कुल देखिए, जो वरुण के पिता है इनको पूरा भरोसा है कि भारतीय टीम गोल्ड मेडल जीतेगी और जो इतिहास है वो रचेगी दोबारा। जो 41 साल पहले गोल्ड मेडल भारतीय टीम का आया था और वो 41 साल बाद एक बार फिर से मेडल आएगा, इनको इनका पूरा विश्वास है कि भारतीय टीम मेडल जरूर जीतेगी। उम्मीद हम भी यही करते हैं, इसीलिए पूरा देश आज दुआएं कर रहा है। हरपिंदर, आप लगातार वहां पर डटे रहिए। आपको बता दें, अमृतसर से हॉकी टीम के सबसे धाकड़ फॉरवर्ड गुरजन सिंह के घर पर हमारे सहयोगी गगनदीप शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गगनदीप, पिछले मैच में जो एक नाम सबसे ज्यादा सुनाई दे रहा था वो गुरजंत का था, तो आज वहां पर किस तरीके का घर पे माहौल है, क्योंकि आज भी दिल की धड़कनें सबकी जो है वो बड़ी हुई हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता आज क्या होने वाला है। उम्मीद लेकिन सब यही कर रहे हैं कि जीतेगा भाई, जीतेगा, इंडिया जीतेगा। बिल्कुल प्रतिमा, जो गुरजंट का नाम ही सबसे ज्यादा गूंज रहा है, जो पिछला मैच था गुरजंट ने जो एक गोल किया था उसके बाद सभी का ध्यान गुरजंट की तरफ लगा। और हम गुरजंट के गांव में, अमृतसर जिले के पास ही ये गांव है खलैरा गांव, तो परिवार के सदस्य अभी गुरुद्वारा साहब में होके आए हैं, अरदास करके आए हैं, तो पिताजी बलदेव सिंह हमारे साथ हैं, तो धार्मिक ख्यालों वाला परिवार है और सुबह से ही गाँव वाले भी जो अरदास कर रहे थे, तो पिताजी से हम बात कर लेते हैं। सरदार बलदेव, बलदेव जी, आज किस तरह का, पहले बताइए किस तरह का लग रहा है आज, इतना बड़ा मैच है, पिछले मैच में गुरजंट ने एक जबरदस्त गोल किया। देखो, हमारे मन में बड़ी खुशी है, बच्चे जो है सभी बच्चे बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, तो आज भी हम सुबह से, मैं 3 बजे से उठा हूँ, 3 बजे से उठ के मैं गुरुद्वारे में गया हूँ, गुरुद्वारे में अभी अरदास करके आए हैं, साडे नज़दीक गुरुद्वारा बाबा जवंत सिंह जी का हैगा, उत्थों अभी बस आ ही रहे हैं। जो अं आए हैं तो ABC न्यूज़ वाले साढ़े गेट दे खड़े, साडे मन में बड़ी खुशी है भी अं अज कि करमा वाला देने गा, तो अं कहने भी परमात्मा इन्हों कृपा करे, जिस तरह इन्हें पिछले मैच खेडे जितते है, इस तरह अज का सैमीफाइनल भी जितन, सैमीफाइनल जित के फाइनल में जान तो गोल्ड मैडल लेके आने, इस तो बाद साढ़े वास्ते होर कि खुशी हो सकती है। गुरजंट के नाल गल हुई सी, गुरजंट से बात हुई थी आपकी? हाँ, मेरी राती गुरजंट नाल गल हुई सी, वो कहिंदे सवेर का जिहड़ा मैच है वो साडे वास्ते बहुत अहम आ, जे असीं सवेर का मैच मैच जितांगे, जितदे आ ते फाइनल ते असीं खुशी नाल ही कढ देणांगे, साडे मन नूं इन्नी खुशी होगी फाइनल असीं नहीं हारदे, फाइनल असीं जितांगे। बलदेव जी, इस जहाँ तक का सफ़र किस तरह का कितना महत्वपूर्ण रखता है, जहाँ तक पहुँचना ओलंपिक्स में सेमीफाइनल में, 40 साल के बाद टीम पहुँची, महिलाओं की टीम भी पहुँच गई है, तो आपने गुरजंट को शुरू से सफ़र देखा, तो आज किस तरह का फख्र महसूस होता है? देखो जी, जब छोटा सा था, जब 4th क्लास में पढ़ता था, जब से हम ये मेहनत कर रहा है, 10-15 साल हो गए है, इस बच्चे ने बहुत मेहनत की है, चलो हमारा भी जो हिस्सा फर्ज बनते से हम भी इसके पीछे चलो बेनतियाँ की हैं परमात्मा के अगे, अरदासा की हैं, उही अरदासा से ये जहाँ तक पहुँचा है। आज कितनी उम्मीद है कि जो के गुरजंट की परफॉर्मेंस, सारे लड़के अच्छे खेल रहे हैं, तो आज किस तरह की उम्मीद है आपकी, जो आपके मन में क्या है? मेरे मन में तो यही चल रहा है कि हमारे जो पंजाब के 10 बच्चे इंडिया में ओलंपिक में खेल रहे हैं, इसमें 4 बच्चे जो अमृतसर ज़िले के हैं, गुरु की नगरी है साडा जंडियाला गुरु, जिसमें गुरजंट सिंह है, दिलप्रीत है, हरमन है, दिलशेर सिंह है, एक लड़की भी हमारे अमृतसर से गुरजीत कौर गई हुई है, अं सभी प्लेयरों के लिए यही अरदास करते हैं भी परमात्मा सभी को बल दे और सभी आज अपनी पूरी वाह लाएँ, अपना सेमीफाइनल जीते हैं तो फाइनल में जाएं। हॉकी दोबारा पैरों अपने पैरों पे खड़ी हो पा रही है, उसमें गुरजंट का और सभी पंजाब के अमृतसर जिले के युवाओं का बड़ा रोल है, गुरजीत का भी रोल है, तो हॉकी हमारी नेशनल गेम है, तो इस हॉकी दोबारा अब अपने पैरों पर खड़ी हो गई, तो ओलंपिक्स में इतना बड़ी परफॉर्मेंस आई, तो इसको कैसे देख रहे हैं? देखो जी, जो आज का दिन है 1972 से आज 47-48 साल हो गए, जे दिन इंडिया को उड़ीक रहे हैं, अभी ये दिन आए वो परमात्मा ने बड़ी कृपा की है, 40-45 साल अब ये आई की टीम जो है ओलंपिक में पहुंची है, सेमीफाइनल में पहुंची है, तो जो लड़कियां की टीम है उसने तो कमाल कर दिया, जो पहली दफ़ा इस साल जो सेमीफाइनल में पहुंची है, तो परमात्मा तो दोनों टीमों के ऊपर कृपा करे, जो सभी खिलाड़ी गए हुए हैं सारे ऊपर परमात्मा कृपा करे, इन्हें और जैसा कि अमृतसर में अरदास हो रही है, हर कोई यही दुआ कर रहा है कि आज टीम इंडिया जरूर जीते। और अब जम्मू का रुख कर लेते हैं, क्योंकि अजय वहां से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जम्मू में CRPF कैंप में जवान ये सेमीफाइनल मुकाबला लाइव देखेंगे। अजय, कैसा माहौल है वहां पर?
माहौल आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकती हैं, यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर में अलग अलग राज्यों से यहाँ पर ड्यूटी करने आए सीआरपीएफ के जवान हैं। हमने अभी दर्शकों को अमृतसर की तस्वीरें दिखाई, लेकिन ये तस्वीरें थोड़ी अलग है क्योंकि ये लोग यहाँ पर कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए पहुँचे हैं, लेकिन इस बीच देश के लिए चीयर अप करना नहीं भूले हैं। आज इंडिया जो है सेमीफाइनल खेलेंगे, कितना खुश है और क्या कुछ तैयारियाँ आपने यहाँ की है? सर, मेन्स टीम है जो 41 साल के बाद सेमीफाइनल में पहुंची है, बहुत खुशी है हम लोगों को। हम दुआ करते हैं कि इसके लिए गोल्ड आ जाए हमारे लिए, देश के लिए, हम बहुत खुश हो जाएंगे। आज आपने टीवी भी लगाया, मैच देखेंगे आज? हाँ, मैच देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे मैच। मैच रोमांचक भी होगा और हमें उत्साह है इस बात का कि काफ़ी दिन बाद, 41 साल बाद, जैसे हम देख रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे, उम्मीद भी है कि गोल्ड आए और दुनिया में नाम रोशन हो। महिला टीम ने भी कमाल किया है, तो आप महिलाओं के लिए भी कह रहे हैं कि वो भी गोल्ड लाए तो इंडिया जो है हॉकी में, क्योंकि हॉकी हमारी नेशनल गेम है, तो इंडिया का जो है झंडा फिर इस गेम पे लहराए? बिल्कुल सर, बहुत 1980 के बाद दोनों टीम सेमीफाइनल में पहुँचे, तो हम पूरे हमारे फोर्स की तरफ से और देशवासियों की तरफ से हम दोनों टीम के लिए बधाई देते हैं कि गोल्ड आ जाए, गोल्ड आ जाए। और इस तरफ अगर आप देखेंगे, यहाँ पर इस सीआरपीएफ कैंप में बाकायदा इंतज़ाम किए गए हैं, टीवी लगाया गया है और यहाँ पर जितने ट्रूप्स हैं, क्योंकि यहाँ सीआरपीएफ में भी खेल की भावना बहुत ज़्यादा रहती है, तो ऐसे में यहाँ पर सीआरपीएफ के ट्रूप्स जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में अलग अलग राज्यों से हैं वो यहाँ हैं और वो यहाँ से टीम इंडिया के लिए चीयर कर रहे हैं। और 40 साल से ज़्यादा का समय हुआ है जब इंडिया की हॉकी टीम, जो कि हमारी नेशनल गेम है, वो वहाँ पर ओलंपिक्स में खेलेगी और यहां से सीआरपीएफ के जवान करेंगे, जिनमें उत्साह है, जोश है और सब यही कह रहे हैं कि इंडिया अब हॉकी में गोल्ड लाए। जी बिल्कुल अजय, उम्मीद हर कोई ये जता रहा है क्योंकि अब सिर्फ चंद मिनटों का ही वक्त बाकी है जब ये मैच शुरू हो जाएगा, तो दिल की धड़कनें हर किसी की तेज हो रही हैं। जालंधर से हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हरपिंदर, और आपको बता दें अमृतसर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी गगनदीप, और जम्मू से तो तस्वीरें आप पहुंचा ही रहे हैं, तो आपका रुख करना चाहूंगी जालंधर में, हमारे सहयोगी हरपिंदर मौजूद है। हरपिंदर, दिल की धड़कनें अब देश के तमाम लोगों की तेज हो रही है, जो भी अब इंतजार कर रहे हैं कि कब मैच शुरू हो और कब वो टीम इंडिया के लिए चीयर करें, घर वालों का क्या हाल? बिल्कुल, सभी देशवासियों की आज पूरी जो निगाहें हैं वो इसी सेमीफाइनल मैच को लेकर हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मौका है भारत के पास कि वो जो पुराना जो इतिहास है वो उसको दोबारा से जो दोहराए, क्योंकि जो भारत की हॉकी थी उसने 8 गोल्ड मेडल जीते हुए हैं ओलंपिक में, और 3 बार 2 सिल्वर मेडल हैं, 1 ब्रॉन्ज मेडल है, और बहुत लंबा इतिहास है भारतीय हॉकी टीम का, और उसी इतिहास को दोहराने के लिए आज भारत की टीम कोशिश कर रही है। जो उसने जो पीछे जो बात करें पिछले जो मुकाबले थे उसमें भी जीत दर्ज की, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7-1 से जूर टीम हारी थी, और उसके बाद जो लगातार टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया और उससे लगातार टीम का सुधार भी हो रहा है। पहले जो सवाल खड़े हो रहे थे कि टीम के ऊपर कि टीम फील्ड गोल नहीं कर पा रही है, फील्ड गोल नहीं कर पा रही है, पर उसके बाद टीम ने फील्ड गोल भी किए, जो पिछला मैच हुआ था ग्रेट ब्रिटेन के साथ 3 गोल किए और तीनों जो थे फील्ड गोल किए थे। वरुण के फादर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे दोबारा बात करते हैं। कुछ ही समय रह गया मैच शुरू होने के लिए, कितनी धड़कनें अब तेज हैं? हमारी धड़कनें तो क्या, पूरे इंडिया की धड़कनें तेज हो जाती हैं। हम तो पेरेंट्स हैं, हमारी तो धड़कनें बढ़ती घटती रहती है, जैसे गोल होता है तो हमारी धड़कनें खुशी में हो जाती हैं, जैसे नहीं होता है तो हम दुख में हो जाते हैं, लेकिन पूरे इंडिया को प्राउड होगा कि आज इंडिया जो है वो सेमीफाइनल मैच जीतेगा और हमारे बच्चे जो फाइनल भी जीतेंगे और इंडिया में गोल्ड लेके आएंगे। इंडिया ही जीतेगा। और एक बार फिर से गगनदीप का रुख कर लेते हैं। गगनदीप, कुछ ही देर में मैच स्टार्ट होने वाला है, आपके साथ गुरजन के पिताजी हैं, उनसे पूछिए कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या क्या दिल की धड़कनें तेज हैं, घबराहट हो रही है, और मैच कैसे देखने की तैयारी है? प्रतिमा, पूरा परिवार इकट्ठा है इस समय बैठा हुआ है, जैसे गुरजंट के पिता ने बताया था कि सुबह से वो 3 बजे से ही उठे हुए हैं, तो गुरजंट की सिस्टर, उनके माता जी हमारे साथ हैं, चाचा जी सभी गुरुद्वारा से होकर आ रहे हैं, तो उनकी सिस्टर से बात करते हैं। पिताजी ने तो हमें बताया था कि उनकी बहुत उत्सुकता है, तो सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरप्रीत कौर है। तो भाई से बात हुई, पिछले मैच में इतनी परफॉर्मेंस की बढ़िया और आज का इतना बड़ा मैच है, तो क्या बात हुई भाई से? हाँ जी, कल शाम को ही बात हुई है, और पिछले जो भी मैच हुए हैं ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के सभी जो बहुत अच्छे गए हैं, और आज भी हम पूरी होप करते हैं कि आज का जो मैच है वो भी बहुत अच्छा होगा, और होप तो पूरी है, देखो अभी क्या होता है। सुबह से ही हम तो अरदास कर रहे हैं, माथा टेक के आए हैं गुरुद्वारे में,
अभी देखो क्रॉस फिंगर्स हैं, होप तो पूरी है, पूरी उम्मीद है। भाई का जहाँ तक का सफर आप गुरजंट का किस तरह देखते हैं, आप इमोशनल लग रही हैं, तो जहाँ तक का सफर कैसा रहा? आज पूरा देश उम्मीद कर रहा है, पूरे देश में एक खुशी की लहर है जहाँ तक हॉकी दोबारा। जो सफ़र है उसका बहुत ही स्ट्रगलिंग सफ़र अभी तक रहा है और बहुत स्ट्रगल की है उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए और बहुत वेट भी की है ओलंपिक इवेंट के लिए। एज ओलंपिक जो इवेंट है वो बहुत बड़ा इवेंट है और जहाँ तक पहुँचना कोई छोटी बात नहीं है और बहुत स्ट्रगल की है। आज होप कर रहे हैं, टीम भी अच्छी है, हार्ड वर्किंग है और उम्मीद तो पूरी है कि जीतेंगे और फाइनल तक जाएंगे। साथ ही लड़कियों की जो टीम थी महिलाओं की वो भी पहुंच गई है, तो अब दोनों से उम्मीद पूरे देश को है, इसके बारे में क्या? लड़कियों को भी बहुत बहुत बधाई हो। जहाँ तक कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो दो बार जो है गोल्ड मेडलिस्ट रही है ओलंपिक की और कल का जो मैच था वो बहुत ही अच्छा था, 1-0 से उन्होंने हराया है ऑस्ट्रेलिया को और कल उनका सेमीफाइनल है, होप है कि वो भी जीत कर ही आएंगी। तो गुरजंट के चाचा जी, उनके माता जी भी हमारे। जी बिल्कुल गगनदीप, दोबारा आपका रुख करेंगे क्योंकि मैच शुरू होने में आप कुछ ही पल बाकी हैं, तो ऐसे में एक बार फिर से मैं अजय बाछलू का रुख करना चाहूंगी जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए लगातार, क्योंकि सीआरपीएफ कैंप में जवान भी सेमीफाइनल का मुकाबला देखने वाले हैं लाइव। अजय, किस तरीके का एक्साइटमेंट वहां जवानों के बीच? देखिए जवानों के लिए एक्साइटमेंट का लेवल बहुत अलग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो जवान हैं ये देश के अलग अलग राज्यों से हैं और लगातार सुबह से ही जब मैं यहाँ आया हूँ लगातार टीवी की तरह टकटकी लगाकर बैठे थे और सबसे मेरी बात हुई है, सब लोग यही दुआ कर रहे हैं कि भारत अब हॉकी में गोल्ड लेके आए, सबकी यही दुआ है, सब अपने भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि गोल्ड आए। और इसके लिए यहाँ पर जो सीआरपीएफ का जो ये कैंप है यहाँ पर विशेष इंतज़ाम भी किए हैं, यहाँ पर टीवी लगाया गया है, बाकायदा कुर्सियाँ लगाई गई हैं और जो जवान यहाँ पर या जो अधिकारी सीआरपीएफ के यहाँ पर आकर मैच देखना चाहते हैं उनके लिए खुली छूट है। सीआरपीएफ में भी इस मैच को लेके उत्साह, सर कितना उत्साह है आज आप यहाँ ड्यूटी छोड़कर कुर्सियों पर बैठे हैं मैच देख रहे हैं, कितना उत्साह है और क्या दुआ करते हैं? हम बहुत खुश हैं सर और हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया जो है गोल्ड लाए और दोनों टीमें गोल्ड लेकर आए। तैयारियां किस तरह की गई हैं? यहाँ पर मैं देख रहा हूँ टीवी लगाया गया है, कुर्सियाँ लगाई गई, और कब से आपको इस पल का इंतजार था कि आप बस मैच देखें? सर हम लोग बहुत सुबह से बहुत खुश हैं, हम लोगों को सुबह से यहाँ पर जी बैठाया गया है और मैच देखने के लिए हम लोग बिल्कुल उत्साहित हैं। आप भी उत्साहित हैं? बहुत पूरी उम्मीद है आज सबको कि भारतीय हॉकी टीम जरूर गोल्ड लेकर आएगी और आज प्रतिमा दिल से एक ही आवाज निकल रही है, चक दे इंडिया। उत्साह है, जोश है, थोड़ी थोड़ी घबराहट भी है। टीम इंडिया को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हॉकी टीम के लिए आज सबसे बड़ी परीक्षा है, आज मौका है उस सफर को दोबारा शुरू करने का जो 1980 से रुका हुआ है और इस जीत के लिए टीम को मिला है कोच का मंत्र। जुनून जिससे लिखी जाएगी जीत की इबारत, एक मुकाबला जिसकी मंजिल है मेडल, एक सपना जो आज साकार होने वाला है। भारतीय हॉकी टीम हाल के दिनों में अपना सबसे बड़ा मुकाबला खेलने के लिए आज मैदान पर उतर रही है। इस अहम मुकाबले के लिए जोश और जुनून से लबरेज टीम पर 130 करोड़ लोगों की निगाहें टिकी हैं। इस बड़े मुकाबले से पहले टीम को जीत का गुरु मंत्र दिया है टीम के हेड कोच ग्राहम रीड ने। बेल्जियम के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले से पहले ग्राहम रीड ने कहा कि टीम को अपनी भावनाओं पर काबू रखकर खेलना होगा और कार्ड से बचना जरूरी है। हरे कार्ड का मतलब वार्निंग होता है और पीले कार्ड में खिलाड़ी को पूरे मैच से या 5 मिनट के लिए बाहर बिठा दिया जाता है और रेड कार्ड में खिलाड़ी को मैच से डिस्क्वालिफाई कर दिया जाता है। बेल्जियम से होने वाले सुपर सेमीफाइनल को लेकर कोच ग्राहम रीड का कहना है कि इस मैच में येलो या रेड कार्ड जैसा जोखिम टीम नहीं उठा सकती। ग्राहम रीड ने कहा हमें मैदान पर 11 खिलाड़ी रखने की जरूरत है, समस्या ये है कि हम ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ मैच में काफी समय मैदान पर 10 खिलाड़ियों के साथ खेले, बेल्जियम के खिलाफ हम ऐसा नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी रह चुके ग्राहम रीड खेल की बारीकियों को बेहतर समझते हैं। टीम के साथ उनके तालमेल का नतीजा है कि टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही 1-7 गोल से शिकस्त के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली करारी शिकस्त के बाद कोच ने टीम को न सिर्फ ऊपर उठाया बल्कि इतना आत्मविश्वास दिया कि टीम ने पलट कर नहीं देखा। उसके बाद टीम ने स्पेन को 3-0 से, अर्जेंटीना को 3-1 से, जापान को 5-3 से और ग्रेट ब्रिटेन को 3-1 से मात दी है। अब टीम का मुकाबला दुनिया की नंबर एक टीम बेल्जियम से है। इस मुकाबले में जहां टीम की कोशिश 40 साल बाद पदक पक्का करने की है, वहीं गौरवशाली अतीत के सफर को आगे भी बढ़ाना है। भारतीय हॉकी टीम को लेकर देश भर में जबरदस्त उत्साह। टीम की जीत की दुआएं मांग रहे देशवासी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक खेलों में अब तक सबसे ज्यादा जीते हैं 11 मेडल। भारतीय महिला हॉकी टीम ने रचा इतिहास। वर्ल्ड नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची। कल अर्जेंटीना से सेमीफाइनल की टक्कर। टीम की खिलाड़ियों के घर और देश में जश्न और दुआओं का दौर। टोक्यो ओलंपिक के डिस्कस थ्रो गेम में मेडल की रेस से बाहर हुई कमलप्रीत। फाइनल में छठे नंबर पर रही। 3 राउंड के बाद टॉप 8 में आई कमलप्रीत से देश को थी गोल्ड की उम्मीद। सोनम मलिक के मुकाबले से शुरू होगा भारत का रेसलिंग अभियान। सबसे पहले सोनम मलिक का मुकाबला सुबह 8:30 बजे मंगोलिया की बोलोरतुया से भिड़ेंगी। टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु आज देश लौटेंगी। शाम 5 बजे के करीब पहुंचेंगी दिल्ली। ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला है सिंधु। देश लौटने से पहले टोक्यो में बोली पीवी सिंधु, सेमीफाइनल में हार के बाद मैं निराश थी क्योंकि गोल्ड के लिए चुनौती पेश नहीं कर सकी। तब कोच ने कहा अगले मैच पर ध्यान लगाओ, खाली हाथ लौटने से बेहतर कांस्य जीतो और देश का मान बढ़ाओ। राहुल गांधी ने आज सुबह 9:30 बजे 14 विपक्षी दलों के नेताओं और नाश्ते पर बुलाया। बैठक में कांग्रेस के सभी सांसद रहेंगे मौजूद। आरजेडी और टीएमसी ने भी हामी भरी, सरकार को घेरने की बनेगी रणनीति। नीतीश के मंत्री सम्राट चौधरी के बयान पर आरजेडी को मिला हमले का मौका। मृत्युंजय तिवारी ने कहा नीतीश सरकार में अंदरूनी कलह किसी भी वक्त गिर सकती है, वेंटिलेटर पर चल रही नीतीश सरकार। नीतीश के बहाने अधीर रंजन चौधरी ने भी मोदी सरकार को घेरा। बोले अकाली दल और शिवसेना के बाद अब जेडीयू भी ना छोड़ दे साथ, आखिर जासूसी कांड पर चर्चा से क्यों डर रही है सरकार। उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर चिराग पासवान का तंज। बीजेपी की दया पर सीएम बने पीएम मटेरियल। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की ही जड़ खोदने में लगे हैं। दिल्ली में मुलायम सिंह यादव और लालू यादव की करीब 40 मिनट तक मुलाकात। अखिलेश यादव भी साथ रहे। लालू बोले आज देश को पूंजीवाद और साम्राज्यवाद की नहीं समाजवाद की जरूरत। जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर 7 अगस्त को बिहार में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी आरजेडी। जिलाधिकारी के माध्यम से पीएम मोदी तक ज्ञापन भी भेजे जाएंगे। जातीय जनगणना को लेकर जेडीयू के 11 सांसदों ने पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह की अगुवाई में गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। ललन सिंह ने कहा जातीय जनगणना के बाद नीति बनाने में भी आसानी होगी। कुछ और खबरें देख लेते हैं इसी तरह फटाफट अंदाज में। यूपी में मुहर्रम के जुलूस पर रोक को शिया धर्मगुरु कल्वे जव्वाद ने बताया बगदादी वाला कदम। प्रशासन ने कोरोना की वजह से 19 अगस्त को जुलूस पर लगाई है रोक। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के यासूब अब्बास ने भी गाइडलाइंस की निंदा की। मुंबई एयरपोर्ट पर शिव सैनिकों ने किया हंगामा। एयरपोर्ट के बोर्ड से छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम हटाने का लगाया आरोप। पूछा शिवाजी का नाम हटाकर अडानी के नाम का बोर्ड क्यों लगाया। मिशन यूपी के तहत 7 और 8 अगस्त को लखनऊ में बैठक करेंगी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। 16, 17 और 18 अगस्त को सभी नए केंद्रीय मंत्री निकालेंगे जन आशीर्वाद यात्रा। फिर कोरोना के डर के बीच यूपी चुनाव के लिए बीजेपी की जनसंवाद रणनीति। 9 अगस्त को बीजेपी सभी पोलिंग बूथ पर 2 हेल्थ वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग देगी। सीएम योगी, डिप्टी सीएम समेत कई मंत्री अधिकारी भी कार्यक्रम से जुड़ेंगे।
बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने लॉन्च किया खेला होबे कार्यक्रम, कहा पूरे देश में होगा खेला। 16 अगस्त को टीएमसी मनाएगी खेला होबे दिवस, ममता बाट ने की 1,00,000 फुटबॉल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर बदले बंगाल से आसनसोल से सांसद बाबुल सुप्रियो के सुर, बोले सांसद रहूंगा पर राजनीति नहीं करूंगा, किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा, जल्द सरकारी बंगला और सुरक्षा कर्मियां छोड़ने की बात भी की। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू आज सभी अनुसूचित जाति के मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठक करेंगे, दोपहर 12 बजे पंजाब कांग्रेस भवन में मुलाकात। पूर्वोत्तर के बीजेपी सांसदों ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की, असम मिजोरम सीमा विवाद को लेकर ज्ञापन भी सौंपा जिसमें कांग्रेस पर हिंसा का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। असम मिजोरम सीमा विवाद पर जेपी नड्डा ने कांग्रेस को घेरा, कहा कांग्रेस लोगों को भड़का रही है, राजनीतिक फायदे के लिए देश का माहौल खराब करने की कोशिश, कांग्रेस के मंसूबे कायम नहीं होंगे। सीमा विवाद के बाद असम की नाकाबंदी से मिजोरम में पेट्रोल समेत दूसरी जरूरी चीजों की किल्लत, खाली पड़े दिखे पेट्रोल पंप, लोग भारी दिक्कत में। महाराष्ट्र में कोरोना मामले कम होने के बाद पाबंदियों में ढील, जिन जिलों में कोरोना के मामले कम है वहां शनिवार और रविवार को छोड़कर रात 8 बजे तक खुल सकेंगी दुकानें। मुंबई में भी कोरोना पाबंदियों में ढील, दुकानें रात 10 बजे तक खोलने की इजाजत, होटल रेस्टोरेंट शाम 4 बजे तक ही खुलेंगे, फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग को दी गई अनुमति। लोकसभा में पर्यटन मंत्रालय ने दी चौंकाने वाली जानकारी, कहा राज्य सरकारों से मिली जानकारी के मुताबिक ऐसा कोई मामला नहीं आया है जिसमें हिल स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए बिना बड़ी संख्या में पर्यटक इकट्ठा हुए। यूपी में 50% क्षमता के साथ स्कूल और कॉलेज खोलने का योगी सरकार का फैसला, 16 अगस्त से स्कूल और 1 सितंबर से कॉलेज खुलेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बताया 16 अगस्त से स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई 4-4 घंटे की 2 शिफ्टों में होगी, 1ली से 8वीं तक के स्कूल अभी नहीं खुलेंगे। यूपी में आज महावैक्सीनेशन अभियान, 20,00,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का है लक्ष्य। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की, कोरोना काल में बेसहारा हुए बच्चों को 3,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी, पहले चरण में 1,062 बच्चों को सीधे बैंक खाते में भेजी गई रकम। राजस्थान के सीकर में उड़ी कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां, वैक्सीन सेंटर पर सैकड़ों की भीड़ ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, एक दूसरे से धक्का मुक्की करते दिखे लोग। पीएम मोदी आज गुजरात के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों से करेंगे संवाद, दोपहर 12:30 बजे वर्चुअली कार्यक्रम। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज अमित शाह से मिल सकते हैं, कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की थी मुलाकात। और चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का बयान, आर्टिकल 370 हटाने की वजह से 20 साल पीछे गया जम्मू कश्मीर, विकास का दावा सिर्फ कागजों पर, जनता राज्यपाल शासन से परेशान क्योंकि एक राज्यपाल 90 लोगों का काम नहीं कर सकता। गुलाम नबी आजाद ने कहा जम्मू कश्मीर को पहले राज्य का दर्जा मिले फिर हो चुनाव, तभी चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे लोग। चुनाव में ईवीएम पर रोक की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर आज सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश में अवैध शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ कठोर कानून लाने की तैयारी, आज कैबिनेट बैठक में लग सकती है मुहर, इसी सत्र में लाया जा सकता है बिल। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल सुबह 11:30 बजे जंतर मंतर पर आंदोलनकारी किसानों से मिलेगा, संसद के मानसून सत्र तक प्रदर्शन के ऐलान के साथ बैठे हैं किसान। 9 अगस्त को दिल्ली में महाराष्ट्र बीजेपी सांसदों की बैठक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल और नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस भी रहेंगे मौजूद। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को यूपी के रामपुर जिला कोर्ट से बड़ा झटका, जौहर यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट तोड़ा जाएगा।
उत्तराखंड के जोशीमठ में पीपलकोटी के पास पहाड़ गिरकर सड़क पर आया। बद्रीनाथ हाईवे बंद, चट्टान गिरने की वजह से कुछ ही फीट पीछे थी गाड़ियों की कतार, बाल बाल बचे लोग। एमपी के पन्ना में लहरों के बीच एक कार के फंसने से बच्ची समेत 7 लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ी, किसी तरह सभी को निकाला गया। पन्ना में ही पिकनिक के लिए गए एक युवक की झरने में डूबकर मौत। बिहार के कैमूर में 3 दिन के लगातार बारिश के बाद मोहनिया इलाके में चारों ओर पानी ही पानी, सड़क पर वाहनों के पहिए थमे। मोहनिया पावर ग्रिड भी पानी में डूबने से बिजली सप्लाई ठप। उत्तराखंड के लक्सर में 10 फीट से बड़ा अजगर और एक बड़े मगरमच्छ को रिहायशी इलाकों में वन विभाग की टीम ने पकड़ा। बाढ़ और बारिश से बचने के लिए इंसानी बस्तियों में घुस रहे खतरनाक जानवर। दिल्ली एनसीआर में अगले 4 दिन तक होती रहेगी मॉनसून की हल्की और मध्यम बारिश। तापमान में गिरावट, दिन का अधिकतम तापमान अभी 30 से 32 डिग्री के बीच। मौसम विभाग का अनुमान, अगस्त और सितंबर में हो सकती है सामान्य से अधिक बारिश, धान के लिए बढ़िया रहेगा मॉनसून। बिहार के धनबाद जज हत्याकांड मामले में एसआईटी आज सुप्रीम कोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट दाखिल करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर स्वतः संज्ञान लिया। लखनऊ में लड़की ने बीच सड़क पर की कैब ड्राइवर की पिटाई, पुलिस पर कैब ड्राइवर को लॉकअप में रखने का आरोप। वीडियो वायरल होने के बाद लड़की के खिलाफ केस दर्ज। पीएम मोदी ने डिजिटल लेनदेन की एक और सेवा ई रूपी लॉन्च की, बोले ई रूपी का वाउचर खरीदकर लोग गरीबों, जरूरतमंदों और मरीजों की मदद कर सकते हैं, भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं रहेगी। देश के सरकारी खजाने के लिए अच्छी खबर, जुलाई महीने में जीएसटी कलेक्शन 1,16,000 करोड़ रहा, पिछले महीने के मुकाबले 33% बढ़ा। पिछले 10 महीनों में ऐसा 9वीं बार जब जीएसटी कलेक्शन 1,00,000 करोड़ से ज्यादा। ईरान के नए राष्ट्रपति चुने गए इब्राहिम रईसी, 5 अगस्त को लेंगे शपथ। विदेश मंत्री एस जयशंकर पीएम मोदी का संदेश लेकर जाएंगे तेहरान। हॉकी टीम का बेल्जियम में मुकाबला जारी है तो कल महिला हॉकी टीम ने भी इतिहास रच दिया। सबसे मुश्किल टीम ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार भारतीय महिला टीम सेमीफाइनल्स में पहुंच गई है। ये लम्हा उन 11 लड़कियों की जिद का सरमाया है जिन्होंने ठाना है कि इतिहास बदलना चाहिए। दुनिया के सबसे बड़े मंच पर भारत की बेटियों ने माना है कि तिरंगे को सबसे ऊपर फहराना चाहिए। ओलंपिक के एस्ट्रोटर्फ पर इन लड़कियों ने ठाना है कि दुनिया के बच्चे बच्चे को अपना नाम याद करवाना है। ये इन 11 लड़कियों के हट का ही नतीजा है कि इतिहास के पन्नों पर हरफों में खलबली है। 3 बार ओलंपिक गोल्ड जीत चुकी ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जो हुआ वो चमत्कार नहीं था बल्कि महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों का भरोसा था जिसने इतिहास रच दिया। क्वार्टर फाइनल में भारतीय महिलाओं ने ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराया। गुरजीत कौर ने 22वें मिनट में गोल करके जो बढ़त दिलाई वो आखिर तक कायम रही। अब सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला अर्जेंटीना से 4 अगस्त को होगा। भारत की पहली महिला हॉकी टीम ने पहली बार 1980 में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। 41 साल में ये पहला मौका है जब वो सेमीफाइनल तक पहुंची है। 1980 में महिला हॉकी में कुल 6 टीमों ने हिस्सा लिया था जिसमें भारत चौथे नंबर पर रहा था। हिंदुस्तानी लड़कियों की इस जाबाजी पर पूरा देश फिदा हो गया, बधाइयों के तांते भी लग गए और कामयाबी के कसीदों का मॉनसून भी आ गया। I wish good luck for our teams in the upcoming semi-finals. I hope and pray that they come back with medals. जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर आएगा उसको 6 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार देगी। कल तक जिस हॉकी टीम के 4 लड़कियों के नाम भी अधिकतर हिंदुस्तान को नहीं पता थे वो अब घर घर में पहचानी जा रही हैं। महिलाओं की हॉकी की तकदीर बदलने, उसको लेकर देश के नजरियों को पलटने के लिए इससे बड़ा मंच नहीं मिलेगा। ये बात हमसे और आपसे ज्यादा इन लड़कियों को पता है।
टोक्यो ओलंपिक में अगर महिला टीम के सफर पर नजर डालें तो साफ हो जाएगा कि ये टीम बाजीगरों की है जो हारी बाजी को जीत में बदलने का मादा रखती है। ओलंपिक में पहला मुकाबला नीदरलैंड से था जिसे महिला हॉकी टीम ने 5-1 से गवा दिया। दूसरे मैच में जर्मनी ने 2-0 से पीटा, वहीं ब्रिटेन ने तीसरे मैच में 4-1 से करारी शिकस्त दी। चौथे मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 4-3 से हराया, वहीं पांचवें मैच में आयरलैंड को 2-0 से पीटा, जबकि क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से पटका। हार और जीत किसी भी खेल के दो पहलू हैं, लेकिन सच तो ये देश के कोने कोने से आई इस महिला टीम को भरोसा करना सिखाया उनके कोच जोरेड मारिजनो ने। उन्होंने न सिर्फ इन लड़कियों को लड़ना सिखाया बल्कि खुद पर भरोसा और इतिहास रचने का मादा भी भरा। सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद कोच जोरेड मारिजनो ने ट्वीट किया कि परिवार से माफी चाहता हूं, लेकिन घर लौटने में देरी होगी। महिला हॉकी टीम पर चक दे इंडिया जैसी सुपरहिट फिल्म दे चुके और फिल्म में कोच कबीर खान की भूमिका निभा चुके सुपरस्टार शाहरुख खान ने तुरंत ही ट्वीट किया और बता दिया कि पूरा देश अपनी बेटियों के सुनहरे होने का इंतजार किस कदर कर रहा है। शाहरुख ने लिखा, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, घर वापस आते समय 1 अरब परिवार के लिए गोल्ड भी लेते आइएगा। इस बार धनतेरस 2 नवंबर को है। पूर्व कोच कबीर खान। और उम्मीद सबको यही है कि भारतीय महिला हॉकी टीम भी गोल्ड देश के लिए जरूर लेकर आएगी। किस्मत भी बहादुरों का ही साथ देती है। ऐसी बहादुर बनकर सामने आई है भारत की स्टार हॉकी प्लेयर गुरजीत कौर, जिन्होंने भारत के लिए 1 गोल दाग कर भारत का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया है। आज पूरे देश को इन पर नाज है। यही 1 गोल जो भारत को गोल्ड के और करीब ले आया है। गुरजीत के पिता किसान है, धरती का सीना चीर कर अन्न उगाते हैं और उसी किसान की बेटी हॉकी के मैदान पर मेहनत का हल चला रही है ताकि देश के लिए सोना उगा सके। अमृतसर के मियादी कला गांव के रहने वाली गुरजीत के परिवार का वैसे तो हॉकी से कोई लेना देना नहीं था। उसके पिता सतनाम सिंह के लिए तो बेटी की पढ़ाई ही सबसे पहले थी, लेकिन फिर भी गुरजीत कौर का हॉकी के लिए लगाव देख पिता ने हॉकी में हाथ आजमाने का मौका दिया। वो इंडिया टीम के विच है जी, वो हुण इंडिया टीम जिहड़ी आ आस्ट्रेलिया तो जित्ती आ जी। असीं बहुत बहुत धन गुरु रामदास जी का शुक्र करते हैं जी, जिहड़ी इंडिया टीम जित्ती है जी, असीं उन्हां दा बहुत बहुत शुक्र करते हैं। हाथ आजमाया भी तो ऐसा कि मैदान में विजयी गोल कर बरसों पुराना सपना सच कर दिखा दिया। मैच में एकमात्र गोल करके गुरजीत कौर को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी ट्वीट कर बधाई दी। ओलंपिक में देश का नाम चमकाने वाली गुरजीत सिंह अब तक 53 इंटरनेशनल मैच खेल चुकी हैं। गुरजीत के गोल से भारत सेमीफाइनल में पहुंचा तो उनके घर पर जश्न मनाने वालों का तांता लग गया। गुरजीत से उम्मीदें थी और उन्होंने उसे पूरा किया। अब 4 अगस्त को होने वाले सेमीफाइनल मैच के लिए पूरे देश की निगाहें उन पर टिकी हैं। भारत की विमेंस हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर इतिहास रचा है, लेकिन ये सपना जिन खिलाड़ियों की वजह से पूरा हो पाया, आज हम उनकी बात कर लेते हैं। खपरेल के इसी घर में पला है महिला हॉकी में ओलंपिक गोल्ड का सपना। इलाका नक्सल प्रभावित है, लेकिन तमाम दुश्वारियों के बीच एक बेटी ने हॉकी से स्थिति परिस्थिति सभी बदलने की जिद ठानी और अब ओलंपिक में वो 130 अरब हिंदुस्तानियों के सपनों को नई उड़ान दे रही है। झारखंड के आदिवासी समाज से आने वाली निक्की प्रधान आज हॉकी के मैदान में हिंदुस्तानी परी कथा की नायिका है। निक्की प्रधान टोक्यो ओलंपिक में कंगारुओं को 1-0 से हराने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम का हिस्सा है। झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाके से ओलंपिक तक का सफर पूरा करना आसान नहीं था, लेकिन इस सपने को पूरा करने में उन्हें मदद मिली उनके परिवार की। आगे तो हमरे मेहनत कर रहे हैं, एखन अपने मेहनत कर रहे थे तो सबकर लिए खुशी का बात है। उकर ले और मेहनत बहुत सुंदर से करो, आगे गोल्ड मेडल लेके आओ। पहली बार सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली महिला हॉकी टीम के लिए निक्की का पूरा परिवार प्रार्थना कर रहा है। निक्की के पिता सोमा प्रधान को यकीन है कि उनकी बेटी देश को गोल्ड जरूर दिलाएगी। खेल देखे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हुए, आगे उम्मीद पूरा है कि गोल्ड मेडल लेके आएगी। सिर्फ माँ बाप ही नहीं, निक्की के कोच ने भी उन्हें तराशने में काफी मदद की। तो मुझे बहुत ही समाज का
या परिवार का या गांव का या जो खेल से दूर है, खेल जिससे कोई खेल के विषय में मालूम नहीं है, वह शुरू यही सोचते थे कि ये मतलब बेकार बच्चों का लाइफ बर्बाद कर रहा है। लेकिन मेरा विचार अलग था और उन सोचने वाले का विचार अलग था, और मैं किसी भी तरह का परिस्थिति हुआ, हर तरह का मुसीबत हुआ, चाहे वो सरकारी हुआ, चाहे सामाजिक हुआ, चाहे आर्थिक हुआ, हर तरह का परेशानी को झेलते हुए कभी पीछे नहीं देखा। मन में ठान लिया जाए तो कोई भी काम मुश्किल नहीं, ओलंपियन निक्की इसकी उदाहरण है। निक्की को देखा जाए तो लक्ष्य पक्का कर कड़ी मेहनत की जाए तो कोई भी मुश्किल मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। अब 4 अगस्त को अर्जेंटीना के साथ सेमीफाइनल मुकाबला होना है। आत्मविश्वास से लबालब टीम का जोश भी हाई है। महिला हॉकी टीम ने कैसे हार से जीत का और फिर सेमीफाइनल तक का पहुंचने का सफर तय किया है, बता रही है मालिका। बिल्कुल प्रतिमा, महिला हॉकी टीम ने इतिहास रचा है। महिला हॉकी टीम अब गोल से सिर्फ 2 कदम दूर है। भारतीय महिला हॉकी टीम का ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1980 के मॉस्को खेलों में रहा था। उस समय भारत 6 टीमों में चौथे स्थान पर रही थी। अब टोक्यो में भी देश की बेटियों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। देखते हैं इस ओलंपिक में उनकी कामयाबी का सफर अब तक कैसा रहा है। तो महिला हॉकी टीम के बारे में आपको बताते हैं कि किस तरह से, देखिए, पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में टीम इंडिया पहुंची है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि 3 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को भारतीय महिला हॉकी टीम ने 1-0 से शिकस्त दी थी। इसके अलावा ग्रुप स्टेज में शुरुआती 3 मैच हारने के बाद वापसी हुई है। और उसके अलावा साथ ही आपको ये भी बता दें कि नीदरलैंड, जर्मनी, ब्रिटेन से मैच में भारतीय टीम को हार मिली थी। साथ ही आयरलैंड की अगर बात की जाए, दक्षिण अफ्रीका की बात की जाए, तो इन दोनों देशों को शिकस्त दी थी भारतीय महिला हॉकी टीम ने। और अगस्त को, 4 अगस्त को सेमीफाइनल में अर्जेंटीना से बढ़त होनी है और पूरे देश की उम्मीदें इसी बात से टिकी हुई है कि महिला हॉकी टीम एक बार फिर से कमाल करेगी और देश के लिए मेडल जरूर लेकर आएगी। महिला हॉकी की तरह ही टोक्यो ओलंपिक में देश की बेटियों ने तिरंगे को बुलंद रखा है। टोक्यो ओलंपिक की ऐसी ही बेटियों की कहानी अब देखिए। मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता। पीवी सिंधु का बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा। लवलीना बोरगोहेन का बॉक्सिंग में मेडल पक्का। और अब हॉकी में भी भारतीय बेटियों ने देश के तिरंगे की शान बढ़ाई है, सेमीफाइनल में जगह बनाई है, एक और मेडल की उम्मीद जगाई है। खास बात यह है कि मीराबाई चानू हो, पीवी सिंधु हो, लवलीना बोरगोहेन या फिर हॉकी टीम की खिलाड़ी हो, ये सभी बेटियां साधारण या गरीब परिवार से आती हैं, लेकिन इन्होंने अपने असाधारण प्रदर्शन से देश का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। मीराबाई चानू इम्फाल से 25 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में रहने वाली हैं, जहां बुनियादी सुविधाएं तक ठीक से नहीं मिलती, लेकिन चानू ने फिर भी इतिहास रचा। मुझे ये सब तो मैं गांव वालों को ही बोलना भी चाहती हूँ, उन्होंने मेरे लिए इतना प्रे किया था, इतना दूर रहने के बाद भी मुझे भी ऐसा लगता है कि डायरेक्टली जब प्रे करते हैं तो मुझे वीडियो कॉल करके, ये लो आपके लिए हमने प्रे किया है, पूरा गांव वालों एक साथ करके, तो मुझे भी बहुत खुशी आई थी। ऐसा लगा था हाँ, इतने मेहनत मेरे लिए उन्होंने भी इतना प्रे किया है, तो मैं कुछ करके उनके लिए नाम को ऊपर करूँगी, हमारे गांव के लिए मैं नाम ऊपर जरूर करते रहूँगी, ऐसा सोचती थी मैं। बॉक्सर लवलीना असम के गोलाघाट जिले के बारोमुखिया गाँव की रहने वाली है, जहाँ की आबादी करीब 2000 है। गांव में ना पानी है और ना सड़क, लेकिन लवलीना ने अपना रास्ता खुद बनाया और आज वो ओलंपिक मेडलिस्ट बन गई हैं। ब्रॉन्ज में नहीं रुकना है, मुझे गोल्ड तक जाना है, लेकिन मैं रिंग में उतरने से पहले, हाँ, मैं जरूर सब कुछ याद करके ही उठी थी, मतलब रिंग में उतरने से पहले नहीं, उससे पहले जो टाइम मिलता है उस टाइम पे मैंने सोचा था कि 8 साल से मैं, मतलब जो कुछ भी हो रहा है, जितना मैंने मेहनत किया है, क्या लोग कहते थे, सबके बारे में मैंने एक बार सोचा था और मुझे प्रूफ करके दिखाना है सबको, ऐसा सोचा था। पीवी सिंधु का जन्म भी हैदराबाद के साधारण परिवार में हुआ था। आज अगर सिंधु ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला बनी है तो उसके पीछे उनकी 17 साल की कड़ी मेहनत है।
बहुत मेहनत किया मैंने, क्योंकि ये 5 साल में काफी अप्स एंड डाउन्स थे, कभी कभी जीत रही थी, कभी कभी हार जा रही थी, बट डेफिनेटली पैनमिक के वजह से बहुत लोग सफर हो रहे थे कोविड के वजह से, और लॉकडाउन भी था, फिर उसके बाद हमको प्रैक्टिस करने के लिए ये चांस नहीं था. 2 ओलंपिक्स में 2 मेडल लेके आना आई थिंक बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए और डेफिनेटली फॉर द कंट्री, क्योंकि उतना इजी नहीं है. यू नो 2016 में बहुत अलग था, और उसके बाद 5 साल होने के बाद अभी 2021 टोक्यो में कंपेरेटिवली बहुत अलग है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस और वो प्रेशर और यू नो आई थिंक एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, तो कंपेरेटिवली ये मेडल बहुत डिफरेंट है मेरे लिए. भारतीय महिला हॉकी टीम की ज्यादातर प्लेयर्स भी छोटे शहरों और गरीब या मध्यम वर्ग के परिवार से हैं, लेकिन इन्होंने आज जो कामयाबी हासिल की है वो बहुत बड़ी है, इसलिए इन बेटियों पर आज पूरे देश को गर्व है. और पूरा देश आज ये बड़ा मुकाबला देख रहा है, पूरे देश की निगाहें टोक्यो पर हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने आवास से बेल्जियम के खिलाफ इस मैच को देख रहे हैं. पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए बताया है कि मैं भारत और बेल्जियम के बीच जारी सेमीफाइनल मुकाबला देख रहा हूं, हमारी टीम और उनकी काबिलियत पर हमें फख्र है, टीम को हमारी ओर से शुभकामनाएं. तो ये हम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, भारत और बेल्जियम का मैच देख रहा हूं, ये ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक्साइटमेंट जाहिर की है. आपको साथ ही ट्वीट दिखा रहे हैं, टोक्यो ओलंपिक में भारत और बेल्जियम की पुरुष हॉकी टीमों के बीच मुकाबले को मैं देख रहा हूं, अपनी टीम और उनकी काबिलियत पर मुझे गर्व है, टीम को शुभकामनाएं. पूरा देश हॉकी का ये मैच आज देख रहा है और इसका एक एक अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगा एबीपी न्यूज में नमस्ते भारत में. छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे. 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर जालंधर की है, जहां हॉकी खिलाड़ी वरुण के यहाँ पर माता पिता किस तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं और दुआ मांग रहे हैं बेटे की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, टीम इंडिया की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए. आपको बता दें कि भारत की जीत की कामना आज हर कोई कर रहा है. प्रधानमंत्री मोदी ने भी बाकायदा ट्वीट कर कहा है कि वो इस वक्त सेमीफाइनल का मैच देख रहे हैं. उन्होंने टीम इंडिया को शुभकामनाएं भी दी है और कहा है कि हमें भारतीय टीम पर गर्व है. 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, टीम इंडिया के प्लेयर गुरजंत के घर की तस्वीरें अमृतसर की, जहाँ पर दुआओं का दौर जारी है. परिवार टीवी पर टकटकी लगाए देख रहा है मैच और सांसें थाम देने वाले इस मैच पर आज हर किसी की निगाह है. Efforts which were by the health workers as well as the team of BMC has borne fruits and because of और देश के लिए गोल्ड मेडल जरूर हासिल करेगी, ना सिर्फ हमारी महिला टीम जो है वो, बल्कि हमारे जो पुरुष हैं, हमारे जो खिलाड़ी हैं, सबका यही एक संकल्प है कि देश के लिए ज्यादा से ज्यादा मेडल लेके आए, और हमारा पूरा विश्वास है कि गोल्ड मेडल भी भारत को अवश्य मिलेगा. किस तरीके से चीयर कर रहे हैं? तो ये एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हवन किया जा रहा है भारत की जीत के लिए. ये मुरादाबाद की तस्वीरें हैं. तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज देश भर में दुआओं का दौर चल रहा है और उसकी तस्वीरें इस बात की वानगी है कि किस तरीके से हर कोई आज यही कामना कर रहा है कि टीम इंडिया जीते और घर गोल्ड लेकर आए. आप देख रहे हैं नमस्ते भारत. बात टोक्यो ओलंपिक की करते हैं, जहां भारत का सबसे बड़ा मुकाबला जारी है. भारत और बेल्जियम के बीच सेमीफाइनल का मुकाबला खेला जा रहा है, जहां दूसरे क्वार्टर तक दोनों टीमें दो-दो की बराबरी पर हैं. पूरे देश में दुआओं का दौर भी चल रहा है, क्योंकि ये सांसें थाम देने वाला मैच है. आपको बता दें कि इस वक्त मैच चल रहा है, जहां पर मैच 2-2 की बराबरी पर है. भारत और बेल्जियम के बीच सेमीफाइनल का मुकाबला पूरा देश उस वक्त देख रहा है और हर कोई दुआ कर रहा है टीम इंडिया के लिए कि टीम इंडिया जीते और फिर गोल्ड लेकर भी आए. पूरे देश में दुआओं का दौर जारी है. तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं. ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं मुरादाबाद की, जहां हवन चल रहा है, पहली तस्वीर आपको बता दें कि जालंधर की है, जहां पर टीम इंडिया के ही खिलाड़ी के घर पर भी दुआओं का दौर जारी है. तो टोक्यो ओलंपिक में भारत का सबसे बड़ा मुकाबला जारी है. 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से देश भर में दुआओं का दौर जारी है. खिलाड़ी हैं जो टीम इंडिया के हॉकी के, गुरजन सिंह, उनके घर अमृतसर में भी दुआओं का दौर जारी है. और देखिए, हाथों में तिरंगा झंडा लिया हर कोई टीवी की ओर टकटकी लगाए बैठा है, क्योंकि हर कोई आज मैच देख रहा है और दुआ कर रहा है टीम इंडिया की जीत के लिए. दूसरी तस्वीर मुरादाबाद की है, जहां हवन चल रहा है और टीम इंडिया की जीत के लिए दुआएं मांगी जा रही है. और साथ ही प्रतिमा जलंधर की तस्वीरें भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं. हॉकी खिलाड़ी वरुण के घर पर देखिए अरदास हो रही है,
पूरा देश यही दुआ मांग रहा है, यही कामना कर रहा है कि आज भारतीय टीम अपनी जान लगाकर पूरी मेहनत के साथ जो मैदान में उतरी है तो मेडल जरूर लेकर आए। अमृतसर में भी दुआओं का दौर है, वरुण के घर पर भी अरदास चल रही है। और ये जम्मू की तस्वीरें देखिए, सीआरपीएफ के जवान किस तरह से चीयर कर रहे हैं टीम इंडिया के लिए, नाच गाकर यहाँ पर एकदम उत्साह से भरा माहौल है। यहाँ पर इस बात की तैयारी पहले से ही कर ली जा चुकी थी कि आज जो मुकाबला है तमाम जवान साथ बैठकर ही देखेंगे, और इनका जोश देखिए, उत्साह देखिए, देखते ही बन रहा है। नाच गाकर ये टीम इंडिया के लिए चीयर कर रहे हैं, यही दुआ कर रहे हैं कि टीम इंडिया देश के लिए मेडल जरूर लेकर आए। पूरे देश में दुआओं का दौर जारी है, हर कोई इस मुकाबले पर नजर बनाए हुए है, और ये मुकाबला इस वक्त बहुत दिलचस्प मोड़ पर भी आ गया है। 2-2 की बराबरी के साथ ये मैच अभी चल रहा है। भारत की ओर से हरमनप्रीत अभी खेल रहे हैं, और पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर शुभकामनाएं टीम के लिए दी हैं, और ये भी कहा है कि भारत की जीत की कामना पूरे देश के साथ साथ वो भी कर रहे हैं। वरुण के घर से जो कि डिफेंडर है भारतीय हॉकी टीम में, हरपिंदर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरपिंदर का रुख करते हैं, हरपिंदर किस तरह का वहां पर माहौल है, मुकाबला बहुत दिलचस्प मोड़ पर आ गया है, जल्द ही खत्म भी होने वाला है, किसी भी वक्त नतीजा हमारे सामने होगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है एक्साइटमेंट पूरी तरह से बढ़ी हुई है, जो यहाँ पे वरुण के घर पे हैं, जिनके जो परिवार वाले हैं उनकी तो एक्साइटमेंट है ही, और जो आसपास के लोग हैं वो भी यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं भारतीय टीम को जो अपनी दुआएं हैं वो देने के लिए। सुबह से जो पाठ पूजा परिवार की तरफ से की गई थी, और उसके बाद सभी जो लोग हैं वो एक साथ होकर मैच यहाँ पे देख रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे लोग आसपास के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हम वरुण के फादर के साथ बात करने की कोशिश भी करेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है, और जो जो लोग यहाँ पे आए हैं उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है और क्या लगता है भारतीय टीम 2-2 पर खेल रही है? मेरा नाम दीप्ति है, और हम लोग जीतेंगे, हम ही जीतेंगे। बेल्जियम हारेगा, बहुत बुरी तरह हारेगा हमसे, और हमारे जो बच्चे, 3 बच्चे गए हुए हैं हमारे पिंड से गए हुए हैं, इन तीनों के ये सिर पे ताज बांध के आएंगे, विजय का ताज बांध के आएंगे, और फिर देखिए मिठापुर उनकी स्वागत कैसे करता है, ये देखने वाली चीज होगी आप सब। बिल्कुल, जिनका जोश पूरी तरह से हाई है, और यहाँ पे 3 प्लेयर जो भारतीय टीम में इस वक्त खेल रहे हैं, मनदीप सिंह है, वरुण है, और कप्तान मनप्रीत सिंह इसी जलंधर की मिठापुर के ये बिलोंग करते हैं, और यहाँ से ही इन्होंने जो खेल कर हॉकी जो जहाँ से गए हैं, जहाँ से प्रगट सिंह भी थे जो इस वक्त जलंधर कैंट से MLA है, वो भी भारतीय टीम के कप्तान रहे थे, और भी जो हमारे साथ वरुण की मदर हैं उनसे भी बात करेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है, क्योंकि वो पूरी एक्साइटमेंट है इस मैच को लेकर। वरुण की माता हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे, 2-2 के साथ टीम अब चल रही है, कितनी धड़कने तेज है? बहुत धड़कने तेज हैं, 2-2 के साथ मैच चल रहा है, तो धड़कने तो तेज होगी हमारी, फिर उसके बाद देखेंगे धड़कने, बस रब सही रखे हमारी। क्या लगता है कि भारतीय टीम यहाँ से जीतेगी? जरूर जीतेगी, बहुत जीतेगी, जरूर जीतेगी, सब सारे आशीर्वाद साथ है तो जरूर। हरपिंदर, मुझे लगता है जो हाल वहां पर है वही हाल अमृतसर में गुरजंत के घर पर भी होगा, क्योंकि परिवार वहां पर भी दुआएं कर रहा है और उम्मीद यही कर रहा है कि टीम इंडिया जीते। गगनदीप का रुख करना चाहूंगी, जो अमृतसर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। गगनदीप, वहां पर क्या हाल? देखिए, गुरजंट के घर में भी सारा परिवार, सारे रिश्तेदार आप देख सकते हैं, एक साथ मैच देख रहे हैं। भारत के तिरंगे झंडे, भारत की तरफ से 2 गोल हुए, तो जो परिवार था पूरा खुश था, क्योंकि टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। लेकिन अभी भी 2-2 की बराबरी पर चल रहा है, और साथ साथ अरदास भी परिवार के द्वारा जो है लगातार की जा रही है। गुरजंट के भाई हमारे साथ हैं, उनके पिताजी, उनके अन्य पारिवारिक सदस्य, तो उनके चाचा जी, सभी परिवार के सदस्य जहाँ पे मैच देख रहे हैं। तो बात करते हैं, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरजिंदर सिंह जी। हरजिंदर जी, 2-2 का बराबरी पर है मैच, तो कितनी धड़कने अभी तेज है? धड़कने तो बहुत हैं, और परमात्मा अगे ही बाबा दीप सिंह गाड़ी अरदास कर रहे हैं, और इन्होंने गोल हुण जिहड़ा मारना चाहिए, महाराज मेहर करे, आस भी बहुत ज़्यादा है सानू, इंडिया टीम बहुत सोहना खेड रही है, और यह जरूरी है गोल लगाउणगे जी। पेनल्टी कॉर्नर मिले थे, एक पेनल्टी कॉर्नर रद्द भी हो गया, तो उदों उम्मीद सी कि गोल, उम्मीद सी, कई बार चलो हो जाता है, एड्डी कोई गल नहीं है, पेनल्टी जरूरी लगे, बाकी ये है भी जेडे मैदानी गोल है जरूर मारनगे जी।
जो मैदान के गोल है, जो गुरजंट जो प्लेयर हैं उनके ऊपर पूरी आस है, तो उनकी बहन भी साथ है परिवार के साथ, तो क्या कहना चाहते हैं अभी गुरजंट, कितनी उम्मीद है अभी? उम्मीद तो बहुत है, बट अभी तक उसका कोई गोल नहीं आया। लास्ट 2 मैचेस में उसने गोल किए थे और बहुत स्ट्रगल कर रही है, हार्ड वर्किंग टीम है, अच्छा खेल रही है, उम्मीद है अभी जीतेंगे। इसका सेमीफाइनल है, बेल्जियम की टीम है, वो भी टफ टीम है बराबर पर। हाँ जी वो तो है, वर्ल्ड कप जूनियर में बेल्जियम को ही हराया था, तो अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है, इक्वल है 2-2 पर, और देखते हैं कौन जीतता है। यहाँ से 2-2 पर जो बराबरी पर मैच है, और उम्मीद यही है पूरे परिवार को, उनके माता जी जो पिताजी से बात कर लेते हैं जो लगातार, तो बलदेव जी क्या कहना चाहते हैं आप, लगातार आपका भी फोन बज रहा है। देखो जी मैच बहुत वधिया चल रहा है, पूरा हार्ड वर्क से हमारी टीम खेल रही है, तो अभी टाइम बाकी पड़ा है, हमारे को 100% कंपटीशन है, ये मैच जीतेगा, पूरी उम्मीद है, 100% पूरी उम्मीद है, पक्की उम्मीद है, सभी को यही उम्मीद है कि इंडिया आज जरूर जीतेगा। और परिवार इस वक्त कितना नर्वस भी दिख रहा है, एक्साइटमेंट भी पूरी बनी हुई है, लेकिन टोक्यो ओलंपिक्स में आज हमारा तिरंगा शान से लहराएगा। जम्मू का रुख कर लेते हैं, अजय बाचलू जुड़ गए हैं वहां पर, जो तस्वीरें जम्मू से अजय आप दर्शकों के लिए पहुंचा रहे हैं उसमें हमने देखा कि सीआरपीएफ के जवान नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खूब एक्साइटमेंट से भरा माहौल है। जवानों से कहिए कि क्या वो हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए गाना कोई गुनगुना सकते हैं, किस तरह से वो उनको विश करना चाहेंगे? बिल्कुल, आपने और अगर आप यहां जम्मू के सीआर लग रहा है कि चीयर हो रही है टीम इंडिया के लिए, हालांकि मैच अभी रोमांचक स्थिति में है, लेकिन यहां पर लगातार जो है टीम इंडिया के लिए ये जांबाज चीयर कर रहे हैं, ये जांबाज जो है वो यहां पर चीयर कर रहे हैं। एक एक बात आपसे जानना चाहूंगा, कौन सा गाना आज आप गाना चाहेंगे भारतीय टीम के लिए? सारे लोग बिल्कुल, आज पूरा देश यही कह रहा है, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया कह रहे हैं। और ये सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो टीम इंडिया के लिए किस लिए किस तरह से चीयर कर रहे हैं, तिरंगा झंडा यहां पर मंगाया गया है और लगातार टीम इंडिया के लिए चकते इंडिया का यहां पर जो है जोश बढ़ाया जा रहा है टीम इंडिया का। हालांकि अभी मैच बहुत रोमांचक स्थिति में है, लेकिन पूरे देश की तरह इन सीआरपीएफ के जवानों ने भी आस नहीं छोड़ी है और अब निशाना गोल्ड पर लगा रहे हैं, और सब लोगों की यही यहां से मांग है कि भारत अब हॉकी में, चाहे वो महिला हॉकी हो चाहे पुरुष हॉकी हो, वहां से गोल्ड लेकर आएंगे और अपना हॉकी जो यहां की राष्ट्रीय खेल है उस पर अपना झंडा दोबारा लहराएंगे। जी बिल्कुल, एकदम नेल बाइटिंग मैच से कहा जाए अजय, तो कुछ वो नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं जो तस्वीरें अलग अलग आ रही हैं हम दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं, कहीं हवन हो रहा है, कहीं पर अरदास हो रही है, कहीं पूजा अर्चना हो रही है, और इसी तरीके का माहौल पूरे देश भर में है, और अलग अलग तस्वीरें भी हम तक हमारे रिपोर्टर्स लगातार पहुंचा रहे हैं। एक और तस्वीर जिसमें आप देख रहे हैं कि हवन चल रहा है और हाथों में सेमीफाइनल्स में जीत की उम्मीद हर कोई लगाए हुए, भारत बेल्जियम का मैच यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी देख रहे हैं, ये भी उन्होंने ट्वीट किया है। हमारे एक एक रिपोर्टर का हम रुख कर रहे हैं, गगनदीप का रुख एक बार मैं फिर से करना चाहूंगी। गगनदीप, इस वक्त किस तरीके का माहौल घर पर, क्योंकि फिंगर्स क्रॉस्ड न केवल परिवार वाले कह रहे, मुझे लगता है पूरे देश भर का हाल यही है। सुबह मैं जिस तरह गुरजंट का परिवार अरदास करके आया था, सारे गांव वाले उनके साथ अरदास करके आए, तो उसके बाद अभी जैसे जैसे मैच आगे बढ़ रहा है, गांव वाले आप देख सकते हैं घर में मैच देखने के लिए आ रहे हैं, और जो लगातार धड़कने भी तेज हो रही हैं और के मैच भारत जीते, क्योंकि आप क्या कहना चाहते हैं, अभी 2-2 की बराबरी पर है मैच, तीसरा क्योंकि सेमीफाइनल चल रहा है, दोनों टीम एक बराबर ही है, वो तो चाहते हैं हम इंडिया जीते और गोल्ड मेडल, कहना कि फर्स्टवा मुकाबला दोनों टीमें बराबर है, दोनों टीम बराबर ही है। गुरजंट और बाकी टीम पर कितनी कितनी उम्मीद है, कितनी उम्मीद है, सारी टीम पे उम्मीद है भी गोल हो जाए एक। गुरजंट के माता जी उनसे भी बात करते हैं, पूरे देश में जिस तरह से खबरें आ रही है कि हवन हो रहे हैं, अरदास की जा रही है, तो सारा देश अरदास कर रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं? आप भी ऐसी अरदास करके आए हैं कि अज का मैच जेड़ा निकल जाए, जीतो जी। जो तस्वीरें आ रही हैं कहीं हवन हो रहे हैं,
तो आपकी तरह सभी जिस तरह आपने अपने बेटे के लिए टीम के लिए कि सारा देश भी सारा देश भी सारे बच्चों के लिए अरदास कर लिया पूरी टीम के लिए। तो जो अरदास है वो बिल्कुल पूरी होगी जिस तरह हमने दिखाया गया जो सभी गांव के लोग हैं जहां पे गुरुद्वारा साहब से जो पार्टी सिंह है वो भी जहां पे आए हैं और परिवार के साथ रिश्तेदार मैच देख रहे हैं क्योंकि गोल्ड जीतना है गोल्ड के ऊपर निशाना लगाना है। तो ये भी बेल्जियम की टीम जो परिवार का भी जैसे सिस्टर ने कहा कि बेल्जियम की टीम भी है बराबर की टीम है और सख्त मुकाबला जो हो रहा है तो उम्मीद यही है कि भारतीय टीम जहां पे अपना तिरंगा झंडा जो लहराएगी और भारतीय टीम आज जीतकर जहां से फाइनल में पहुंचेगी। जालंधर भी एक बार चल लेते हैं, हरपिंदर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हरपिंदर, यही खेल की खूबसूरती होती है कि कैसे पूरे देश को एकजुट कर दिया है, एक परिवार है जो वहां पर अरदास कर रहा है, साथ साथ पूरा देश जो आज एक परिवार की तरह मिलकर ये कामना कर रहा है कि टीम इंडिया की आज जीत हो। तो साथी ये बताइए मैच खत्म होने वाला है, कैसा लग रहा है परिवार को, क्या रिएक्शंस है वहां पर? जी बिल्कुल, परिवार इस वक्त पूरी तरह से संतुष्ट है कि भारतीय टीम जो अच्छा प्रदर्शन कर रही है, कि उनका यही मानना है, यही विश्वास है कि भारतीय टीम मैच जरूर जीतेगी, क्योंकि हम उनका यही कहना है कि हम इतिहास रचेंगे, जो 41 साल का जो सोका था मेडल का वो जरूर पूरा होगा। हमारे साथ वरुण के टीचर हैं जो जिनसे वरुण ने सिखलाई ली, छोटे हुए पढ़ाई की उनसे, और जो भारतीय टीम में मेंबर है उनको भी इन्होंने पढ़ाया है, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले नाम? मेरा नाम दीप्ति है। कब तक आपने पहले ये बताइए आपने पढ़ाया है वरुण को? 8th तक तो पढ़ा है, उसके बाद में वो एकेडमी ज्वाइन कर ली थी, उन दोनों सभी बच्चों ने एकेडमी ज्वाइन कर ली थी, तो उनको 8th तक तो हमने पढ़ाया एंड देन उसके बाद में वो आ गया एकेडमी में, जाके उन्होंने अपनी स्टडी कंटिन्यू की और वहीं पर ही उन्होंने हॉकी के गुण सीखे हैं जो आज उनके काम आ रहे हैं और देश के लिए गर्व की बात होगी। हमारे लिए तो बहुत ही गर्व की बात है कि ऐसा होनहार बच्चा, ऐसा हीरा को हमने तराशा है और देश का नाम ऊंचा करने में हमारा छोटा सा योगदान है। और कौन कौन सा जो प्लेयर है आपके पास जिसने स्टडी? कैप्टन, हमारी हॉकी टीम का कैप्टन जो है जिसको कोरियन कहते हैं, मनदीप। मुझे याद है एक बार मैंने उससे पूछा था कि बेटा तेरे को सब कोरियन बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका ना वो रिस्ट उसकी सूजी हुई थी, तो मैंने कहा बेटा हॉकी, मैंने कहा तेरी रिस्ट सूजी हुई और तेरे को कोरियन क्यों बोलते हैं? तो कहते हैं मैम मेरा हुक स्ट्रोक है, हुक मारता हूँ तो वो उससे मेरा रिस्ट घूम जाती है हमेशा ही। तो मैंने कहा बेटा थोड़ा ध्यान से खेला कर, ये गेम ऐसी है कि चोट बहुत सीवियर हो जाती है। तो उसने उस चीज़ को माना और आज वो इस चीज़ में उसकी कोई सानी नहीं है, उसके सामने कोई टिकता नहीं है। उसके बाद में उसने ये बोला कि मैं, मेरी आंखें छोटी होने के कारण और मेरे खेल मैं भाग जाता हूँ, मुझे दिखता नहीं, मैं किसी को दिखता नहीं हूँ, इसका मेरे कोच सर ने मेरा नाम कोरियन रख दिया हुआ है। तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं जो भारतीय टीम के जो तीन मेंबर खेल रहे हैं उनके बारे में पता चली है। और ये बताइए बचपन में ये कैसे थे, ये तीनों की बात करें, शरारती थे या क्या, कैसे? मेरे को एक का याद है, वैसे तो बहुत शांत बच्चे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था कि भी कभी क्लास में मिस बिहेव भी कंडक्ट किया। हाँ, जो आपके हरमन क्या है, प्रधान साहब जो हैं हम बोलते हैं, हम उनको प्रधान ही बोलते हैं, मनदीप को, तो उसका है कि वो थोड़ा सा नॉटी था, थोड़ा सा क्लास में टीचर्स को मैम आज हमने ये किया, मैम आज हमने ये किया, क्लास में आने से पहले ही वो हमको पूरी जानकारी हो जाती थी। आज उन्होंने गोल भी किया है आपके स्टूडेंट ने, वो देख के आपको मैं बता नहीं सकती कि मेरे को कितनी खुशी हो रही थी। इवन कि पिछले मैच में भी वो गोल करता करता रह गया था, वो उसका तो वो बहुत हुआ था, लेकिन इस बार उसने गोल किया, आगे भी करता रहेगा और हमारी हम दोनों की तरफ से तो ऑल द बेस्ट ही है कि हम लोग खुशी महसूस कर रहे हैं कि भी ऐसे बच्चों को हमने पढ़ाया है। वरुण के फादर भी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं, आप बताइए कैसे लग रहा है भारतीय टीम अभी तक 2-2 के साथ बनी हुई है, तीसरा हाफ जो क्वार्टर है वो भी ख़त्म हो चुका है, भारतीय टीम 2-2 पे है, कैसे लगता है कि भारतीय टीम जीतेगी? अवश्य जीतेगी, 130 करोड़ भारतीयों की जो दुआएं हैं और ये टीचर साहबान यहाँ बैठे हैं ये तो अभी भी दुआएं दे रहे हैं, अवश्य ही
भारतीय टीम जो है वो गोल करेगी और मैच जीतेगी। 130 करोड़ भारतीयों की दुआएं इन बच्चों के साथ है, तो परमात्मा सबकी दुआएं सुनेगा, तो हमारे बच्चे जो है इंडिया में गोल्ड लेके आएंगे, इंडिया का नाम रोशन करेंगे और हमारे नाम रोशन करेंगे, हमारे गांव का नाम भी रोशन करेंगे। मनदीप ने, आपके ही गांव का लड़का है मनदीप, उसने गोल किया है, दूसरा गोल किया है, क्या कहना चाहेंगे मनदीप के बारे में? मनदीप जो है बहुत अच्छा खिलाड़ी है, वो गोल करने में कभी भी हिचकिचाता नहीं है, फुर्ती से गोल करता है, बहुत अच्छा है। मनप्रीत सिंह भी है, बहुत अच्छा है। ये सारे जो जितने भी खिलाड़ी हैं, गुरजंट सिंह है, सिमरनप्रीत सिंह है, वरिंदर लाकड़ा है, जितने भी रुपेंद्र पाल सिंह, सब खेल रहे हैं, ये एक भाई की तरह टीम में खेलते हैं, तभी ये मैच जीत पाते हैं और बहुत अच्छा लगता है जब इंडिया मैच जीतता है। तो बचपन में ये बताए, कैसे वरुण ने हॉकी शुरू की थी, कितनी उम्र थी तब उनकी? वरुण की उम्र तब चौथी क्लास में पढ़ता था गुरु नानक पब्लिक स्कूल में। हरपिंदर, आप बने रहिए परिवार वालों के साथ, क्योंकि पहला रिएक्शन आप ही लोगों से मिलेगा, मैच का जो भी पहलू होगा वो आपसे आगे जानेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ खेल पत्रकार विजय लोकपल्ली जी जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। बहुत ही नेल बाइटिंग स्टेज पर है ये मैच इस वक्त, क्योंकि दो दो की बराबरी पर है। कैसा लग रहा है मैच आपको, क्या लग रहा है, क्या रुख हो सकता है इस मैच का? मेरे ख्याल से इस मैच में कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि भारतीय टीम जो है मैच नहीं कर रही है। बेल्जियम इतनी रिप्यूटेड टीम है और हर डिपार्टमेंट में अगर आप देखिए, फिटनेस में, स्पीड में, स्किल में, खास करके जल्दी से एक आपने गोल कंसीड किया, वहाँ से आपने वापसी की, दो गोल मारे हैं, तो ये इससे आपका टेम्परामेंट जाहिर हो रहा है टीम का, उनकी तैयारी आपको सब नज़र आ रही है। और सबसे बेस्ट ये है कि आप ये देखिए कैसे इंटरचेंज पोजीशन करके खिलाड़ी लोग सरप्राइज़ कर रहे हैं बेल्जियम टीम को, और डिफेंस बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि काफ़ी समय बाद एक नॉकआउट टाइम में, नॉकआउट मैच में इतना अच्छा प्रदर्शन आपको देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल विजय जी, और ये बहुत अहम मुकाबला है, पूरे देश की निगाहें इस मैच पर टिकी हुई है, तो जब इस तरह का प्रेशर खिलाड़ियों पर होता है, तो क्या वो आपको लग रहा है कि आज जिस तरह से सब खिलाड़ी खेल रहे हैं, क्या उनकी परफॉर्मेंस में वो प्रेशर दिखाई दे रहा है? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है प्रेशर में खेल रहे हैं। अगर आप देखें जिस ढंग से, अगर आप जैसे बेल्जियम ने अटैक किया और जो भारत जैसे काउंटर अटैक करता है, वो अगर आप प्रेशर में होंगे तो आप सिर्फ डिफेंस ही करते रह जाएंगे। यहाँ पे बराबर वो आप उनके जो है हर मूव का जवाब दे रहे हैं भारतीय खिलाड़ी, और मेंटली बहुत बहुत स्ट्रांग है। इस किसी ने उनको बैक नहीं किया था कि इस स्टेज तक पहुँचेंगे, सेमीफाइनल खेल रहे हैं काफ़ी समय बाद, मतलब मॉस्को ओलंपिक्स के बाद एक लग रहा है कि आप गोल्ड की तरफ अग्रसर हैं। जाने से पहले उन्होंने प्रॉमिस भी किया था अपने हॉकी फैन से कि हम लोग गोल्ड लेके आएंगे, और आप देखिए इस मैच में उन्होंने दिखा दिया है कि दे बिलोंग टू दिस स्टेज। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं लगा कि आप एक कमजोर भारतीय टीम देख रहे हैं जी। और मुझे नहीं लगता किसी भी स्टेज पर उन्होंने प्रेशर आपको लगाओ प्रेशर में। और एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान भी तो सर यही होती है, प्रेशर हाँ। कितना भी हो परफॉर्म करना जरूरी है, क्योंकि परफॉर्मेंस पे ही सब कुछ निर्भर करता है। ओलंपिक्स में भारत बनाम बेल्जियम मुकाबला लगातार जारी है, सेमीफाइनल्स के इस मुकाबले में नेल बाइटिंग मैच इसे कहा जा रहा है, क्योंकि दो दो की बराबरी पर है मुकाबला, और इसको लेकर अलग अलग तस्वीरें हमारे पास देश भर से आ रही है, कहीं दुआओं का दौर जारी है, कहीं पर जश्न जैसी तस्वीरें हैं। मदीहा का रुख कर लेते हैं, जो कि दिल्ली नेशनल स्टेडियम से हमारे साथ मौजूद है। मदीहा, किस तरीके की तस्वीरें वहां से आ रही है? यहाँ पर लोग बेहद ही उत्सुक हैं, लोग चीयर कर रहे हैं इंडिया के लिए, क्योंकि इस वक्त जो मुकाबला है वो काफ़ी ज़्यादा कड़ा है, और खास तौर से कह सकते हैं कि कांटे की टक्कर है इस वक्त टोक्यो में जो ओलंपिक चल रहा है भारतीय हॉकी टीम का उसके लिए। लेकिन इस वक्त जो दिल्ली में तस्वीर है वो आपको दिखाते हैं कितने ज़्यादा जोश से यहाँ पर जितने भी युवा हैं वो चीयर करने के लिए इंडिया को यहाँ पहुँचे हैं। और आप देखिए ज़रा, यहाँ पर अलग अलग रंग तिरंगे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ मेरे साथ कुछ लोग भी हैं, वो जो उन लोगों से भी बात करते हैं। क्या कहेंगे आप, कहाँ से? हम दिल्ली से ही है, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है, और आज जो हमारी देश की बेटियां और हमारे भारतीय कंटिंजेंट जो टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उनको उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए आज हमने एक कार्यक्रम रखा है, जिसमें दिल्ली के सभी युवा और अनेक प्रकार के जो लोग खेलों में सम्मिलित रहते हैं उनके साथ मिलकर आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं अपने सभी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए। सभी खिलाड़ियों का मनोबल यहाँ बढ़ाया जा रहा है, और आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर चीयर्स फॉर इंडिया के नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं, और लोग बेहद उत्सुक है इस वक्त। क्या कहेंगे? इंडिया जीतेगी और आज इतिहास रचेगी, और यही उम्मीद है कि आज महिला और पुरुष दोनों टीमें जीतेंगी और भारत में गोल्ड आएगा और 41 साल बाद ये इतिहास बनेगा।
भारत में मेडल आएगा क्योंकि 40 साल का इंतजार हो चुका है और अब लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है यहाँ पर। जी बिल्कुल मदीहा, तस्वीरों के जरिए हम समझ सकते हैं कि वहां पर कितना एक्साइटमेंट से भरा माहौल है। तो ये मुकाबला बहुत रोमांचक मोड़ पर आ गया है। बेल्जियम से 3-2 से भारत अभी पिछड़ा हुआ है और कुछ ही समय का वक्त अब बचा है इस मैच को खत्म होने में और बेल्जियम ने इस वक्त 3-2 से बढ़त भारत के ऊपर हासिल की हुई है। 3 गोल्स बेल्जियम के हो चुके हैं और बहुत कड़ा मुकाबला यहां पर प्रतिमा देखने को मिल रहा है और अभी भी सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी है और हर कोई यही दुआ कर रहा है कि भारतीय टीम आज इस मुकाबले में जीत हासिल करे। पूरे देश में दुआओं का दौर जारी है। अलग अलग शहरों से जो तस्वीरें आ रही हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जलंधर पंजाब में देखिए किस तरह से रवि सिंह के घर पर दुआओं का सिलसिला वरुण सिंह के घर पर माफ कीजिएगा जारी है। अमृतसर में भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गुरजंत सिंह के घर पर किस तरह से पूरा परिवार इकट्ठा होकर हाथ में तिरंगे लेकर मैच देख रहा है। टीवी स्क्रीन पर नजरें गड़ी हुई हैं। जल्द ही इस मुकाबले का नतीजा हम सबके सामने होगा। सेमीफाइनल मैच में बेल्जियम 3-2 से आगे है इस वक्त का ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। पुरुष हॉकी का ये सेमीफाइनल मैच बहुत दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। बलजीत सिंह सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बलजीत जी, इस वक्त जो मैच की स्थिति है वो भारत के लिए थोड़ी सी चिंताजनक है क्योंकि बेल्जियम हमसे 1 गोल से आगे हो गया है। एक बार फिर से उनके पास चलेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तकनीकी कुछ खामी आ रही है। अजय बाचलू का रुख कर लेते हैं। अजय बाचलू सीआरपीएफ कैंप से हमारे साथ मौजूद है जहां पर लगातार जवान चीयर कर रहे हैं टीम इंडिया के लिए। अजय, क्या तस्वीर वहां पर? अभी भी हालांकि मैच जो है वो काफ़ी रोमांचक स्थिति में है। बेल्जियम ने बेशक भड़क बनाए हो लेकिन यहाँ जोश कम नहीं हुआ है। लगातार टीम इंडिया के जोश बढ़ाने के लिए किस तरह से टीम इंडिया के लिए चीयर कर रहे हैं सीआरपीएफ के ये जवान और उम्मीद किसी ने नहीं छोड़ी है। लगातार चक दे इंडिया के यहाँ पर जोश जो है वो बढ़ाया जा रहा है। जोश कैसा है सर? जोश हमारा बहुत अच्छा है लेकिन जोश क्या करें, सांसें थमी हुई है। जब हम 1 गोल से पिछड़ रहे हैं तो जोश क्या है कमज़ोर हो जाता है। अब हम चाहते हैं कि हमारे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करें। लास्ट इनिंग चल रही है, 10 मिनट का गेम बचा है, उसमें अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करें और ज़्यादा से ज़्यादा गोल करके और हमें गोल के पास पहुँचाएँ। भारत माता की सर, कुछ ही मोमेंट बचे हुए हम लोगों को जीत दिलाने के लिए। जो 41 साल का सपना है उसे पूरा हो जाए और एक विजय स्ट्रोक लगा करके हमें इस जीत का गोल्ड निश्चित कर दे जो कि हमारे गोल्ड की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। हम सुबह से आकर के इसी चीज़ के लिए बैठे हुए हैं और दुआ कर रहे हैं हम सभी लोग मिलकर के कि इंडिया इस बार गोल्ड जरूर लाएगा। गोल्ड जरूर लाएगा। जोश कैसा सर? हाउ इज जोश जोश यहाँ पर हाई है और देख रहे हैं लगातार यहाँ पर सीआरपीएफ के जो ये जवान और अधिकारी है कुछ समय पहले तक कुर्सियों पर बैठे थे लेकिन अब ये खड़े हो गए हैं क्योंकि जैसे ही मैच अपने अंतिम पलों की तरफ बढ़ रहा है यहाँ पर सांसें और धड़कने बढ़ रही हैं। सब लोग अब यही दुआ कर रहे हैं कि भारत न केवल ये बेल्जियम के खिलाफ अपना मैच जीते बल्कि हॉकी में अपना इतिहास दोहराए और गोल लेकर आए। बिल्कुल अजय, सांसें थमी हुई है, बहुत रोमांचक ये मुकाबला हो गया है। डर भी लग रहा है कि क्या नतीजा होगा। एक बार फिर से जलंधर आपको लिए चलते हैं। लगातार मेरे सहयोगी वहां से बने हुए हैं, वरुण सिंह के परिवार के साथ हैं। वहां पर इस वक्त क्या चल रहा है? क्या दुआओं का सिलसिला और तेज हो गया है क्योंकि बहुत रोमांचक मोड़ पर मैच आकर खड़ा हो गया है। डर भी लग रहा होगा। जी बिल्कुल, जो जहाँ पे जितने भी जहाँ लोग हैं सभी एक निगाह उनकी सिर्फ टीवी पे है और शांति से मैच देख रहे हैं कि भारतीय टीम 1 गोल करे और बराबरी पर तकरीबन कम से कम बराबरी पर आए क्योंकि 3-2 से टीम पिछड़ चुकी है। पहले टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया था लेकिन एक पेनल्टी कॉर्नर और बेल्जियम को मिला और वो गोल करने में कामयाब हुई है और भारतीय टीम संघर्ष कर रही है अभी थोड़ा थोड़ा और कोशिश कर रही है। हमारे साथ उनके टीचर हैं दीप्ति वरुण के, जो उनसे बात करते हैं। मैम, टीम 1 गोल से पिछड़ चुकी है, अभी दिल की धड़कनें आपकी तेज हैं? धड़कनें जी बहुत ज़्यादा तेज हैं कि 3-1
जल्दी से वो कवर कर जाएंगे। हमारे जो बच्चे हैं इतने कैपेबल हैं कि वो इसको जल्दी से कवर करेंगे। पिछले मैच में भी हमने देखा था कि भी किस ढंग से उन्होंने पेनल्टी कॉर्नर्स पे पेनल्टी कॉर्नर्स उनको मिल रहे थे ग्रेट ब्रिटेन को, बट हमारे साथ बच्चों ने हौसला नहीं हारा और उनको 3-1 से हराया था। तो इनको भी हम हराएंगे, इनको 3-4 से हम जरूर हराएंगे। हरपिंदर आप बने रहिए क्योंकि एक एक कर हम तमाम सहयोगियों का रुख कर रहे हैं। तो मैं गगनदीप का रुख एक बार फिर से करना चाहूंगी जो कि अमृतसर में मौजूद है गुरजंत के घर पर। गगनदीप वहां पर क्या स्थिति है इस वक्त, क्योंकि अभी तक तो मैच जो बराबरी पर था उसमें बढ़त बना ली बेल्जियम ने, तो कहीं ना कहीं दिल की धड़कनें और तेज होती हुई। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे इस वक्त का एक अपडेट भी है क्योंकि चौथा गोल कर दिया है गगनदीप बेल्जियम ने, 4-2 से आगे हो गई है बेल्जियम। इस वक्त का ये बड़ा अपडेट है, 4-2 से बिल्कुल बड़ा अपडेट है, 4-2 से बेल्जियम आगे है। परिवार गुरजंट के जो परिवार है सारा मैच देख रहा है और परेशानी बिल्कुल थोड़ी सी बिल्कुल, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मैच था तो उनके पिताजी से ही जानते हैं। तो बेल्जियम 4-2 से आगे है, तो क्या कहना चाहते हैं, अभी समय भी 6 मिनट का रह गया। देखो अभी 6 मिनट टाइम है, अखीरले 5 मिनट में भी कुछ हो सकता है। अभी हमको अभी भी उम्मीद है, अभी हारे नहीं है, अभी भी जीतने की उम्मीद है हम। अभी भी जिस तरह पिछले मैचों में, हाँ पहले जब मैचों में जिए तो अखीरले 24 सेकंड में भी गोल सकता है, ये ऊपर वाले के हाथ में सारा कुछ, वो चाहे तो अभी भी सारा कुछ मैच जीतेंगे। तो अखीरले 5 मिनट में भी वो जो गुरजंट के पिता है कुछ हो सकता है, अन्य परिवार के सदस्य भी हैं, तो सर क्या कहना चाहते हैं? सेकंड तक उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, आखिरी सेकंड तक उम्मीद बनी रहेगी। जो बात परिवार यहाँ पर कह रहा है, हर देशवासी आज यही कह रहा है। और हमारे साथ पूर्व ओलंपियन बलजीत सिंह सैनी जी जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। बलजीत जी, बहुत कड़ा मुकाबला इस वक्त हो गया है, बेल्जियम ने बढ़त हासिल कर ली है, क्या अभी भी उम्मीद हम लगा कर रखें? क्या लगता है क्या नतीजा हो सकता है? बलजीत जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो लग रहा है बलजीत जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहुत रोमांचक मोड़ पर ये मैच आ गया है और बेल्जियम इस वक्त बढ़त बनाए हुए है, 4-2 यहां पर स्कोर है। और लगातार देखिए दुआओं का सिलसिला देश में अब भी जारी है। और जैसा कि आप हमारे सहयोगी से भी सुन रहे थे कि किस तरह से गुरजंत के परिवार वालों का ये मानना है कि आखिरी सेकेंड तक उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, कभी भी ये मैच पलट सकता है। तो उम्मीद लगातार यही बनी हुई है कि ये मैच भारत अभी भी जीत सकता है, उम्मीद कायम है। एक बार फिर सहयोगियों का रुख कर लेते हैं और उनसे जानते हैं कि वहां पर अभी किस तरह की स्थिति बनी हुई है। अमृतसर से गगनदीप है, उनके पास चलते हैं। गगनदीप आप बताइए कि अब क्या क्या लग रहा है, परिवार वालों के रिएक्शंस दिखाइए। जो बात करते हैं परिवार वालों से तो क्या कहना चाहते हैं, आखिरी 4 मिनट अभी है, टाइम देखते हैं, उम्मीद तो है भी जीतेंगे, गोल हो गए, 2 गोल चाहिए, अभी देखते हैं क्या होगा। अभी भी उम्मीद बनी हुई? हाँ उम्मीद तो है, लास्ट सेकंड में भी गोल हो जाते हैं, देखते हैं, अभी 3 मिनट है। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਜੰਟ ਦੇ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਨਕੇ ਜੋ ਬਹਿਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਜੀ ਅਭੀ ਵੀ ਯਹਾਂ ਪੇ ਜੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਚਾਹੇ 3 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ध्यान है टीवी स्क्रीन की तरफ है। गुरजंट के माता जी ने भी कहा कि अभी वो अपने मन में जो है कि वो उम्मीद जता रही हैं। तो जिस तरह से लगातार, हालांकि बड़ा सख्त मुकाबला था, पूरा परिवार आप देख सकते हैं, एक जोश था, देश के तिरंगे झंडे लहराकर बच्चे भी जहां पे मैच देखने आए थे तो पूरा परिवार सुबह बिल्कुल सांसें थाम देने वाला ये मैच है और हर कोई टकटकी लगाए सिर्फ टीवी देख रहा है इस वक्त। ये उम्मीद है कि आखिरी सेकंड में भी अगर गेम पलट जाए तो क्या ही कहने। हमारे साथ पूर्व ओलंपियन बलजीत सिंह सैनी जी जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। बलजीत जी अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो ये नेल बाइटिंग मैच इस मुकाम पर पहुंच गया है कि अब बस उम्मीद ही लगा सकते हैं कि कोई करिश्मा हो जाए। जी हाँ बिल्कुल, अभी जो टाइम है, अभी भी टाइम है, क्योंकि अगर मैं याद करूं हमारा टाइम जो सिडनी ओलंपिक्स में 2000 में हुआ था तो लास्ट बहुत कुछ ही सेकंड्स बचे थे जब हमने गोल कंसीड किया था और
कोरिया क्वालिफाई कर गया था पोलैंड के अगेंस्ट। तो अभी भी उम्मीद है, 2 मिनट 21 सेकंड बहुत होते हैं। और अभी कोच ने एक और टैक्टिक्स खेली है कि अपने गोलकीपर को निकाल के 11 फील्ड प्लेयर्स कर दिए हैं। तो ये जो कहते हैं कि जो आखिरी जो एक तीर है वो कोच ने छोड़ा है, उम्मीद कर सकते हैं कि उम्मीद करते हैं कि शायद कोई कुछ करने में कामयाब हो भारतीय हॉकी टीम। क्या आपको लग रहा है कि अंडर प्रेशर टीम इस वक्त खेल रही है, क्योंकि पहले बहुत कांटे की टक्कर चल रही थी और अचानक से बेल्जियम ने इस तरह बढ़त हासिल कर ली? देखिए टैक्टिक्स जो है, बेल्जियम जो फर्स्ट 2 क्वार्टर खेली है वो पूरा उन्होंने हाफ कोर्ट प्रेस किया था, वो इंडिया को प्रेस नहीं कर रहे थे। जो उनके कोच ने चेंज किया है वो किया है कि उन्होंने 3rd क्वार्टर से ही भारतीय टीम को फुल प्रेस करना शुरू कर दिया था। तो जैसे ही फुल प्रेस किया तो प्रेस में जो 3rd क्वार्टर की स्टार्ट थी उसमें भारतीय टीम बहुत आसानी से उनकी प्रेस को तोड़ पा रही थी, लेकिन 3rd क्वार्टर के आखिर से और 4th क्वार्टर की स्टार्ट से ही बेल्जियम की जो प्रेस थी उसको तोड़ नहीं पा रही थी भारतीय टीम, और उसी लिए हमने 2 गोल कंसीड किए। तो ऐसा नहीं है कि टीम हमारी खराब खेली है, तो टैक्टिक्स होती हैं और ये सेमीफाइनल मैच है ओलंपिक्स का, तो इसमें कोई भी टीम यहाँ पे कोई कमजोर नहीं है। भारत बेल्जियम से स्ट्रांग नहीं है, बेल्जियम भारत से स्ट्रांग नहीं है। एनी गिवन डे जो टीम अच्छा खेलेगी वो जीतेगी। तो आज श्रेय देना होगा बेल्जियम की टीम को कि अभी तक जो 3rd और 4th क्वार्टर है वो भारतीय टीम से बेटर खेली है। लेकिन हैविंग सेड दैट, भारतीय टीम का प्रदर्शन पूरे टूर्नामेंट में एक मैच को छोड़ के बहुत ही अच्छा रहा है, और लड़कों ने बहुत ही अच्छा, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 41 ईयर्स के बाद भारतीय टीम क्वालिफाई की है। इस वक्त बलजीत जी, आपको जो कोई सुन रहा है उम्मीद कर रहा है कि जो आपने कहा है वो सच हो जाए, आखिरी सेकंड में भी गोल हो जाए, तो क्या ही कहने, बल्ले बल्ले हो ही जाएगी टीम इंडिया की, तो उम्मीद लगाए हुए हम भी हैं। आपको बता दें अमृतसर से अजय हमारे सहयोगी खिलाड़ी दिलप्रीत के घर से इस वक्त लाइव जुड़े हुए, उनका भी रुख कर लेते हैं। अजय, वहां पर क्या स्थिति इस वक्त, क्या माहौल है, क्योंकि हर कोई जो इस वक्त टीवी देख रहा है वो सांसें रोक कर ये टीवी देख रहा है कि कहीं किसी तरीके से गोल हो जाए बस। अभी मैं बताना चाहूँगा जी, मैं दिलप्रीत के घर पे हूँ और निराशा जरूर है क्योंकि बेल्जियम आगे चल रहा है और घर वाले भी थोड़े से चिंताजनक हैं कि क्या आप इंडिया जीत पाएगी या नहीं। उनके फादर हमारे साथ हैं, उनके फादर से बात करते हैं, बलविंदर सिंह जी से। बलविंदर जी क्या कहना चाहेंगे जी? क्या कहना चाहेंगे सर, बेल्जियम अच्छा खेली है और वो जीत गई है, हमारे थोड़ा बैड लक हो गई, प्लंटी का नहीं लगे हमारे, इस वजह से इंडिया टीम हार गई है। बहुत देर बाद, बहुत देर बाद अगर ये खुशियां जो भारत की झोली में आनी थी, लेकिन क्या समझते हैं आप? बिल्कुल जी, बहुत बहुत हमें उम्मीद थी कि हम जीतेंगे, बट जो टीम अच्छा खेलेगी वो जरूर जीतेगी, इस वजह से अच्छा खेलेगी वो जीतेगी। उनकी बहनें भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, उन्होंने आप देख सकते हैं कि उन्होंने इंडिया की जो टी शर्ट वो पहनी हुई थी, अभी बहुत मायूस है। उनसे भी थोड़ी सी बात करने की कोशिश करते हैं, अगर बात हो पाती है उनसे। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, आंखों में आंसू हैं, आंखों में आंसू हैं, बात नहीं हो पा रही है। बिल्कुल, ये देखिए एक वो खबर अब सबके सामने आ चुकी है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। हर कोई आज यही उम्मीद लगा रहा था कि भारत ये मुकाबला जीतेगा, लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा अपडेट आपको दे दें कि भारत ये मुकाबला हार गया है। ओलंपिक के सेमीफाइनल में बेल्जियम से भारत की हार हुई है। बेल्जियम ने सेमीफाइनल में भारत को 4-2 से मात दी। और लेकिन एक और आपको राहत की और उम्मीद भरी खबर ये दे दें कि 5 अगस्त को भारत के पास ब्रॉन्ज मेडल जीतने का मौका होगा। मेडल जीतने की उम्मीद अभी भी बनी हुई है। आज का मुकाबला भारत हार गया है, तो बेल्जियम ने सेमीफाइनल में भारत को 5-2 से शिकस्त दे दी है, लेकिन अब भी उम्मीद हमारी बची हुई है क्योंकि 5 अगस्त को ब्रॉन्ज मेडल के लिए टीम इंडिया एक बार फिर से भिड़ंत उसकी होगी। आपको बता दें कि जो मैच है उसको लेकर लगातार उम्मीदें बनी हुई थी कि हम जीतेंगे, लेकिन आखिरी वक्त में बेल्जियम ने बढ़त बनाई और वो 5-2 से हमें हार का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे 5 अगस्त को होगा ये मुकाबला, जब भारत के पास ब्रॉन्ज मेडल जीतने का एक मौका होगा। और किसके साथ ये मुकाबला होने वाला है इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। ओलंपिक के सेमीफाइनल में बेल्जियम भी है कि जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया की हारी हुई टीम से ये मुकाबला होगा। 5 अगस्त को सुबह 7 बजे ब्रॉन्ज मेडल के लिए एक बार फिर से टीम इंडिया मैदान में उतरेगी, तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि उम्मीद पूरी तरीके से खत्म हो गई, उम्मीद अब भी बाकी है।
लेकिन आज के मैच की अगर हाइलाइट्स देखें तो दिलचस्प मुकाबला रहा, कड़ा मुकाबला रहा। शुरुआत भारतीय टीम के लिए बहुत अच्छी हुई, 2-2 पर ये मुकाबला लगातार बना रहा, लेकिन अचानक बेल्जियम ने बढ़त बनाई, एक गोल किया और उसके बाद 4-2 से भारत पर बेल्जियम ने बढ़त बना ली। तो इस तरह से ये मुकाबला तो हम हार गए हैं, लेकिन मेडल जीतने की उम्मीद अब भी बरकरार है। 5 अगस्त को भारत को एक और मौका मिलेगा मैदान में उतरकर देश के लिए मेडल लाने का, ब्रॉन्ज मेडल के लिए वो बेढ़ंत होगी और उस पर ही अब देश की निगाहें टिकी हुई हैं। हर कोई अब यही दुआ कर रहा है कि देश के लिए भारतीय टीम मेडल जरूर लेकर आए। और मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ से, हॉकी टीम के पूर्व कैप्टन परगट सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही न्यूयॉर्क से हमारे साथ पूर्व ओलंपियन बलजीत सिंह सैनी जी भी जुड़े हुए हैं। तो एक एक कर इन मेहमानों का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले परगट सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आपके नजर में ये मैच कैसा रहा? हार भले ही गए हैं लेकिन आखिर वक्त तक कोशिश जारी रही टीम इंडिया की। नहीं देखो, ये बराबर की टीमें हैं, ऑल दो बेल्जियम इज नंबर 1 इन द वर्ल्ड रैंकिंग, और क्योंकि 3 क्वार्टर तक तो ऑलमोस्ट बराबर मैच हम खेले हैं, क्योंकि पहली जब उनको पहले मैच बॉल पे लीड मिल गई थी, पहला गोल कर लिया था, उसके बाद 2-1 से अप जब हुए तो मेरा ख्याल उस टाइम तक बहुत बढ़िया मैच और बैलेंस मैच चल रहा था। और लेकिन जो 4th क्वार्टर था उसमें कहीं ना कहीं प्रेशर जो बिल्डअप हुआ है उस प्रेशर में ही हमारे ऊपर, और मेरे को तो ये भी ये ठीक है कि अंपायर के निर्णय होते हैं, लेकिन जो 3rd पेनल्टी कॉर्नर दिया गया है मेरे को लग रहा है कि रीप्ले में वो पेनल्टी कॉर्नर नहीं था, लेकिन ये है कि फास्ट गेम है, रेफरल भी है, तो ऐसी चीज़ों को बेनिफिट ऑफ डाउट जो ज़रूर दिया जा सकता है, लेकिन एज ए हॉकी प्लेयर मेरे को लगता है कि वो कहीं ना कहीं जो हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक हुआ और उसी की वजह से 3rd गोल हुआ, फिर देन अल्टीमेटली पेनल्टी स्ट्रोक जो हुआ, क्योंकि पेनल्टी स्ट्रोक के पीछे गोल कीपर था, क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि जब गोल बॉल गोल की तरफ जाता है और उसमें किसी के पैर को या बॉडी को टच हो जाती है तो वो नेचुरली है कि बॉल गोल में जाना होता है, लेकिन वो भी बहुत क्रूशियल था। ऐसी चीज़ें वैसे हॉकी में, चलो क्योंकि बहुत स्पीड हो गई है गेम में, ऐसी चीज़ें होती है, और लेकिन ये है कि लड़कों ने बहुत अच्छा जो है वो प्ले किया है। जी बिल्कुल, और हमारे साथ एक और मेहमान बने हुए हैं बलजीत सिंह सैनी जी, पूर्व ओलंपियन हैं, उनके पास से चलते हैं। बलजीत जी, उम्मीद तो हम यही कर रहे थे कि आज का मुकाबला हम ही जीतेंगे, लेकिन अफसोस ये मुकाबला तो हम नहीं जीत पाए, लेकिन पेनल्टी कॉर्नर्स की भूमिका आपसे समझना चाहेंगे। 14 पेनल्टी कॉर्नर्स भारतीय टीम ने कंसीड किए हैं, इन स्टेटिस्टिक्स के बारे में आप क्या जानकारी दे सकते हैं? जी हाँ, हमने 14 पेनल्टी कॉर्नर कंसीड किए, लेकिन अगर आप देखें तो एक ही पेनल्टी कॉर्नर को जो बार बार जो री पेनल्टी कॉर्नर मिला है वो कम से कम कंटिन्यूसली 5 बार, जब रुपिंदर पाल ने गलत रश किया था और वो चले गए थे और पीछे सिर्फ 4 डिफेंडर रह गए थे इंक्लूडिंग द गोलकीपर, तो उस टाइम पे री पेनल्टी कॉर्नरों के 4-5 तो हमने एक टाइम पे दिए हैं। तो इंडियन टीम ने भी, हमने काफ़ी अटैक किया और हमने भी काफ़ी पीसीस बनाए, लेकिन जैसे अभी परगट जी बात कर रहे थे कि कुछ डिसीजंस जो हैं वो इंडियन टीम के अगेंस्ट गए हैं, आप अगर अंपायर रनिंग गेम में एक डिसीजन को गलत दे देते हैं तो आप समझ सकते हो कि वो, चलो गेम बहुत फास्ट हो चुकी है, वो गलत है, लेकिन जो 3rd अंपायर ने एक डिसीजन दिया है जब मनदीप को डी के अंदर पुश किया गया था, जब भारत ने अपना रेफरल लूज किया है, वो डिसीजन बिल्कुल साफ नजर आ रहा था कि जो बेल्जियम का डिफेंडर था उसने हाथ से मनदीप को पुश किया था और वो जो डिसीजन था वो इंडिया के फेवर में आना चाहिए था। मैं ये नहीं कहना चाहता, आई हैव बीन अ प्लेयर, मैं भी ओलंपियन हूं, मैं हॉकी खेला हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अंपायर की वजह से भारतीय टीम हार गई, लेकिन अंपायर का एक बहुत बड़ा रोल था अंपायरिंग का आज की उसमें। प्रगट पाजी ने यह भी कहा कि पेनल्टी स्ट्रोक, मैंने आज तक ऐसी पेनल्टी स्ट्रोक दी जानी किसी भी टीम के अगेंस्ट कभी नहीं देखी है, जब आपका डिफेंडर पेनल्टी स्पॉट के पास खड़ा है और पीछे जी। बलजीत जी, वक्त की कमी, एक छोटे से ब्रेक लिए रुकना, लेकिन आप भी और परगट सिंह जी आप भी लगातार हमारे साथ बने रहिए। ABP News आपको रखे आगे।